परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू एग्जामपुर कलम से क्रांति आप सबका स्वागत है इस चैनल में तो जैसे कि विवेक सर ने पहले ही इस चीज का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया होगा कि जो आज आपकी 6 से 8 जो क्लास चलेगी वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की चलेगी ठीक है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की खासकर एएलपी के सिलेबस के हिसाब से ये चीज जरा नोट करने वाली है कि सबसे पहले आज मैं जो अभी तुम्हें बताऊंगा दो घंटे की क्लास होगी मेरी छः से आठ की ठीक है ना छः बजे से आठ बजे से आठ बजे तक दो घंटे की क्लास है और क्लास पढ़ाने का तरीका क्या है जो मेरी क्लास में रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले आप जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपका चलेगा उस टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाएगी ठीक है पर्याप्त जानकारी और इनफ जानकारी यानी कि सफिशियंट जानकारी होगी उसके अलग से ना तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत है ना ही तुम्हें कुछ अलग से कुछ चीजें करने की जरूरत है ठीक है तो जब टॉपिक हो जाएगा डेली का डेली ये होगा जब टॉपिक एक बार कवर होगा वो टॉपिक के बाद जो आखिरी का आधा घंटा बचेगा उस दिन का जो आखिरी का आधा घंटा होगा उसमें मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा और वो क्वेश्चन कौन से होंगे जो मैंने उस दिन पढ़ा है इससे क्या तुम्हारा इससे क्या फायदा होगा आपका इसमें यह फायदा है कि तुम्हें अपने रूम पर जाके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ये गारंटी मैं यहां पर देता हूं तुम जितना यहाँ दो घंटे दोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफिशियट है जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी जहाँ मैं कहूँगा कि अब तुम्हें थोड़ा सा एक घंटा घर पे ज़्यादा देना है वो मैं बता दूंगा किस टॉपिक के लिए देना है क्योंकि ए में ए की आप लोग तैयारी कर रहे हो और बहुत कम समय बचा है इस चीज़ का भी मैं समझता हूँ और कंपटीशन बहुत टफ है ठीक है और अभी जो तीसरी जो बार जो एल का रिज़ल्ट आया है उसके बाद तो कंपटीशन और ज़्यादा टफ़ हो गया है तो इस चीज़ के लिए चीज़ों को समझते हुए मैं ये कह रहा हूँ जितना मैं यहाँ तुम्हें दो घंटे में पढ़ा रहा हूँ उसको यहीं पर समझ के 100 परसेंट आप यहाँ से जब उठोगे उसको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं ये ये मैं 100 परसेंट आपसे बोल सकता हूँ क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं इससे टफ टफ़ सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप उन पर ध्यान दो जब मुझे लगेगा कि कोई चीज़ कहाँ पढ़नी है उसको और थोड़ा ज़्यादा देना वो मैं आपको बता दूंगा ठीक है टॉपिक के बाद क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे क्वेश्चन अच्छे तादाद में क्वेश्चन होंगे और यहाँ जितने क्लास में क्वेश्चन हो जाएँ वही सफिशियंट हैं आपके लिए कोई भी एग्जाम किसी भी इवन मैं ए की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप एल के बाद आर का ही एक पेपर ले लो जो कि जेई का है जो आएगा आने वाले समय में उसका भी नोटिफिकेशन आएगा इसकी बात की जाए तो जो यहाँ पढ़ रहे हो तो ए का तो वो कर ही लोगे क्वेश्चन तुम आरआरबी आर आर जेई के भी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे ठीक है इसलिए और एक चीज़ और पढ़ने से पहले थोड़ा मैं ये कहता हूँ सबसे कि मेरी क्लास में खासकर अगर आ, किस कहीं और ना करो लेकिन ये बिनती भी है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि थोड़ा धैर्य बना के रखना क्योंकि तो होता क्या है कि लड़कों को बहुत जल्दी मस्ती कर रही सर ये मत बोलिए ये उनको आता है तो आगे बढ़िए ये नहीं तो उससे काम ऐसे नहीं होगा टीचर बहुत कुछ सोच के आता है मन में उसको डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होता है तो वो दिमाग से एक आध चीज़ें निकल जाती हैं ठीक है थीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉइंग ठीक है इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में ठीक है सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानते हैं परेशान मत हो मैं यहां पर आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं काफी लोग जैसे विजय राज ने बोला फास्ट सर थोड़ा ज्यादा तेज पढ़ाओ कोई कह रहा सर स्टार्ट कराइए तो आप लोग परेशान मत हो मैं यहां पर हर एक चीज इंट्रोडक्शन क्योंकि मैं बेसिक से लेकर चलूंगा जो भी मेरा सिलेबस है फ्रॉम द बेसिक होगा टू द पॉइंट होगा वहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो आगे चीजें बढ़ती हुई जाएंगी उसमें तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो इसमें सबसे पहला है आपका ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट और हिंदी और इंग्लिश को मैं दोनों को लेकर चल रहा हूं तो परेशान मत होना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण होते हैं उनके बारे में चर्चा होगी ठीक है उसके बाद होगी जो रेखा के बारे में होती जितनी रेखा यूज होती हैं कहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में उनके बारे में पूरी चर्चा होगी यहां पर उनसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा फिर आपका होगा प्रोजेक्शन एंड व्यूज ठीक है जो ये प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप भी बोलते हैं आपका जो प्रक्षेप है इसके बारे में पूरी तरीके के क्वेश्चन पूरे इसमें सॉल्व होंगे फिर आपका आएगा एक अक्षरण यानी कि लेटरिंग इसके बारे में होगा फिर होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है और एक है इसमें जोमेट्रिक फिगर्स थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ो जोमेट्रिक फिगर्स और भी अलग अलग किताबें देखते हो तो अलग अलग और चीज़ें दस चीज़ें आती होंगी लेकिन मेरे हिसाब से सिलेबस आपका छः चीज़ों में डिवाइड है और इसी में हर चीज़ आएगी कोई भी चीज़ ये नहीं है कि इससे बाहर की है हर चीज़ इसी में आती है अगर इसको छः को कोई बारह में बना देता तो अलग बात है छः को कोई तीन में कन्वर्ट कर देता तो अलग बात है लेकिन इसमें जितना भी आपका सिलेबस है और हर टॉपिक से ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक ऐसा है कि जिसको हम छोड़ दें क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एएलपी के पेपर में ध्यान से सुनो एक एक क्वेश्चन मिलेगा इससे भी आएगा इससे भी आएगा इससे भी आएगा हर चीज़ से तो आपको क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का ए के पेपर में रखा हुआ मिलेगा लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इससे तो क्वेश्चन एक नहीं एक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन में लोगों को दिक्कत होती है लेकिन विश्वास मानो जब यहाँ क्लास करोगे तो प्रोजेक्शन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम लोग कर ना पाओ ठीक है इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो एक एक चीज हम स्टार्टिंग करेंगे अपना ड्राइंग के उपकरण ठीक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब ये आपका मेन सिलेबस अब यहां से होता है इंट्रोडक्शन पूरा हो गया ठीक है सबसे पहले जानते हैं एक चीज समझते हैं ध्यान से समझो मस्ती में पढ़ो ठीक है कोई अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि जो ये ड्राइंग है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम लोगों को इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो हमें इसकी जरूरत पड़ गई देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा कहा गया है ठीक है इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्या बोला गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग ये एक एक भाषा है एक लैंग्वेज है किसकी इंजीनियर्स की क्यों ऐसा कहा गया है इसलिए इंजीनियरों का काम क्या होता है जो अपने इंजीनियर्स होते हैं उनका काम क्या होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ का निर्माण करना अब मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि आपके आपके मन में कोई थाट आया कि मुझे यार ये चीज़ बनवानी है ठीक है इस चीज़ का मुझे निर्माण करना है सपोज़ करो अगर आप अपने घर घर बनवा रहे हो तो तुमने कहा एक मैं बढ़िया सा एक बंगला बनवाऊंगा और कुछ ऐसा होगा वहाँ पर ये होगा वो होगा तो वो तो तुमने अपने दिमाग में सोचा ठीक है लेकिन जिस जो इंजीनियर उस चीज को बनाएगा तुम्हारे दिमाग तुमने उससे उसको तुम मुंह से बता दोगे कि यार एक एक घर इधर चाहिए एक कमरा इधर चाहिए इसकी डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए लेकिन एग्जैक्ट डायमेंशन यानी कि सही तौर पर उसका पूरा का पूरा जो भी उसका आकार होगा वो तभी सिद्ध होगा तभी माना जाएगा जब आप उस चीज को अपने दिमाग की उपज को अपने व्यू को जो आपने दिमाग में सोचा वो आप किस में ले आए शीट में वो आप कहाँ पर मान लो ये वाइट बोर्ड है ये आपकी क्या है एक ड्राइंग की शीट है ये सफेद पेपर है एक तो आपने क्या किया उसी पेपर को जो आपने उसी पेपर में पेंसिल की सहायता से जो आपने सोचा उसकी ड्राइंग यहाँ पर बना दी ठीक है अब उस वो ड्राइंग इंजीनियर अपने पास लेके आएगा वो उस ड्राइंग की सहायता से वो निर्माण कार्य कर देगा चाहे वो मकान बनना हो चाहे वो कोई और तरीके का निर्माण हो ठीक है तो इसलिए हमें इंजीनियरों की इंजीनियरों की भाषा इसे कहते हैं कि ड्राइंग हमारा एक तरीका है क्या है अगर आपसे कोई पूछे इंजीनियरिंग ड्राॅइंग क्या है, तो एक लाइन में यही आंसर दोगे इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एक तरीका है अपने सोच को अपने व्यूज को पेपर पर दिखाने का ठीक है ना पेपर पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये, यानी कि इसे अभियां अभ्यांत्रिक, अभियांत्रिकी भाषा भी बोला गया है इंजीनियरिंग लैंग्वेज ठीक है अब इसमें जो उपकरण है जो पहला उपकरण जो मैं यहां डिस्कस करूंगा यानी कि किस किस चीज की आवश्यकता होती है इसको पढ़ने में पहली चीज शीट जो ड्राइंग की शीट है भाई जो भी तुम दिमाग में सोचा जो तुम बनाओगे किस में बनाओगे शीट में ही तो बनाओगे तो शीट इसीलिए सबसे पहले जानते हैं ड्राइंग शीट के बारे में कि ड्राइंग शीट कितने तरीके की होती है और क्या होती है अब देखिए जो आमतौर पर हमारे जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं वो छः तरीके की यानी कि छः से सात तरीके की ड्राइंग शीट यूज़ करते हैं उनके मैं यहाँ पर माप लिख रहा हूँ ए ज़ीरो ए वन ए टू धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आगे आगे बढ़िया समझा आने लगेगा अब इसके मैं माप लिख रहा हूं यानी कि लंबाई और चौड़ाई किस किस आधार पर होती है ए जीरो ए वन ए टू ए सिक्स इतनी तरीके की जो अपने शीट यूज करते हैं वो ये आठ सौ इकतालीस ये इसकी लंबाई है याद रखना ये इसकी चौड़ाई है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होता है बच्चों को क्योंकि मैंने और भी जगह बैचेस में जो पढ़ाया है वहां से मैंने ये चीज निकल के देखी है कि सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है लोग पूरा पढ़ लेते हैं फिर भी इसी चीज़ में कन्फ्यूज हैं किस चीज में हाँ हाँ बिल्कुल अजीत सिंह का भी कमेंट मैंने पढ़ा कि थोड़ा इंग्लिश में भी ठीक है इंग्लिश को भी लेके चलेंगे हाँ तो उसमें कंफ्यूज कहां पर होते हैं लड़के इसी में कि सर इसमें लंबाई कौन सी चौड़ाई कौन सी है वो उसी में कंफ्यूज है क्योंकि इसको कंफ्यूजन बनाया किसने किताबों ने बनाया दस तरीके की किताबें खरीदोगे जो आजकल मार्केट में है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें लंबाई इसको दे दिया कभी इसको दे दिया फिर उसी में वो उलझे रहते हैं तो यहां जो मैं बताऊं सिंपल सा वो नियम रखना लंबाई ये चौड़ाई ये ठीक है बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं अपने आप चीजें हो जाएंगी मैं सारों के डायमेंशन यहां पर लिख रहा हूं ए जीरो का ये है इसे ए जीरो को ए नॉट भी बोलते हैं ए जीरो का ये है ए वन का ये है ए टू का ये है ए थ्री का ये वाला है ए फोर और ए फाइव और ये है ए फाइव ये है आपका ए सिक्स एक चीज याद रखना यहां जितनी भी तुम्हें मैंने डायमेंशन लिखवाया है जितना भी ये लिखवाए हैं ये सारे mm में होंगे किस में होंगे मिलीमीटर में हमेशा याद रखना इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी ये तो अभी तुम शीट के बारे में पढ़ रहे हो आगे चल के जितने भी उपकरण के बारे में पढ़ोगे अगर तुमसे उसकी लंबाई या चौड़ाई पूछी जाती है तो सिर्फ उसका डायमेंशन उसकी यूनिट क्या होगी mm हमेशा याद रखना और ये इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपकरणों की जो इकाई है वो किस इकाई को उसमें सबसे मतलब हर ए, कौन सी ऐसी इकाई है जो उसी में यूज़ करते हैं सारे उपकरण कौन सी इकाई में यूज़ करते हैं तो वो आपकी होगी मिलीमीटर यानी कि किस यूनिट में लेते हैं तो सारी इसमें जितने भी उपकरण उनको एम में ही लेंगे इसमें और एक चीज़ और अगर कोई लोग कंफ्यूज हो कि सर ए का ये कौन सा इंजीनियरिंग बनाए ये सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए कि अगर आपकी चॉइस कोई सी भी ट्रेड हो चाहे मैकेनिकल के हो चाहे इलेक्ट्रिकल के हो चाहे ये पार्ट ए का है पार्ट ए का सब्जेक्ट है ये ठीक है विवेक सर ने इसके बारे में आपको इंटरव्यू पहले दे रखा होगा एक एक चीज उन्होंने बता रखी है उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया था तो शायद इतनी इतनी जानकारी होगी आपको कि ये सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है ठीक है और देखो अब इन्होंने जैसे पूछा अग्रवत अजय ने कि सर इम्पोर्टेंट कितनी एग्जाम के लिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट है उसकी मैं तो मैं बता देता हूँ ये आप लोग नोट करो तब तक और मैं तब तक साइड में ये बताता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंस क्या है ए का इधर देखो ए एल जो पार्ट ए है इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने मैं इसको रब करता हूँ हालांकि विवेक सर ने इसके बारे में बता रखा था फिर भी चलो कोई बात नहीं मैं दोबारा बता देता हूं पार्ट जो ए है पार्ट ए में बेसिक साइंस यानी कि एक आपका सब्जेक्ट है बेसिक बेसिक साइंस साइंस ऑफ एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो उसका खुद का वेटेज है चालीस नंबर बाकी आपकी रीजनिंग मैथ्स ये सब अलग चीजें हैं जो बेसिक साइंस है ना बेसिक साइंस और आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये कितने मार्क्स की आएंगी ये आएगी चालीस नंबर की अब इसमें सब्जेक्ट देखना कौन कौन से हैं? अब तुम वहीं से उसका वेटेज पता लगा लोगे कि इंजीनियर ड्राइंग की क्या बिल्कुल ट्रिक रिक सब बताएंगे परेशान मत हो अभी इधर आप लोग देखिए पहले पार्ट ए में जो बेसिक साइंस है उसका सब्जेक्ट देखना उसमें एक है आपका फिजिक्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन्वायरमेंट एजुकेशन आईटी लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर का जो ज्ञान होता है वो और आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग तो है ही ये आपका क्या है एक दो तीन चार पांच ये पांच चीजें हैं और ये कितने मार्क्स की आ रही हैं चालीस नंबर की अब कम से कम नहीं तो अगर कोई भी मिनिमम वेटेज होगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग अपने में इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा अनुमान है कि ये दस नंबर से नीचे नहीं आएगी किसी भी हालत में कम से कम दस नंबर का ईडी आपका पूछा ही जाएगा तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है किसी ने यहां पर पूछा था दो तीन लोगों ने तो वही मैंने यहां पर बता दिया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अपने उसमें अब जैसे लोगों ने कहा सर कोई ट्रिक है ट्रिक इसकी ये है देखो ट्रिक इसकी क्या है अब मैंने ए जीरो का आपको क्या साइज़ बताया ए जीरो का जो मैंने साइज बताया आठ सौ इकतालीस इंटू वन वन एट नाइन एम एम ये इसकी लंबाई ये इसकी चौड़ाई ये ट्रिक मैंने बताई ये मतलब मैंने साइज़ बताया इसकी ट्रिक क्या है ए वन का आपको ए जीरो का तो याद करना ही पड़ेगा उसमें कोई नहीं एक तो आपको याद करनी ही पड़ेगा आठ सौ इकतालीस इसकी लंबाई चौड़ाई आप लोग याद कर लीजिए फिर ए वन का कैसे निकलेगा ए वन का आपका निकलेगा जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी लंबाई बन जाएगा ठीक है और इसका आधा यहां पर हो जाएगा किसका आधा इसका यहां पर आधा हो जाएगा इसको जब आप टू से डिवाइड करेंगे तो तो वैल्यू यहां पर लिख देंगे ठीक है ऐसा ही हर किसी में होता जाएगा अब की बात आई तो क्या मैंने कहा चौड़ाई क्या बन जाएगी चौड़ाई उसकी बन जाएगी लंबाई अब चौड़ाई क्या है यहां पर यह तो ये इसकी बना दो लंबाई और इसका आप आधा कर दो और जो उसको वहां पर लिख दो तो ये इसकी ट्रिक है और ये ट्रिक आपको ऐसी नहीं कि ये कुछ मैंने ही बना के दे दी नहीं ये हर जगह आपको ये ट्रिक कोई भी टीचर से पढ़ोगे तो ये टीचर ये बहुत कॉमन ट्रिक है तो इसीलिए हर हर कोई आपको इसके बारे में बताएगा कम से कम लेकिन ए जीरो की तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी एक की याद कर लो बाकी चौड़ाई उसकी लंबाई बन जाती है और उसका लंबाई का वहां पर आधा हो जाता है लड़के कन्फ्यूज है कमेंट में भी अभी भी शायद ठीक है चलिए अब देखिए ये था हमारा ड्राइंग सीट के मैंने अभी ड्राइंग सीट की पूरी चर्चा खत्म नहीं हुई है यहां पर अब मेन चीज देखेंगे अब इसका मैं देखूंगा शीट का लेआउट क्या होता है शीट लेआउट यानी कि जो ड्राइंग का शीट है उसका अभिन्यास यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा। ये रफ डायग्राम है ठीक है ये इसका शीट का लेआउट है जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं उससे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने से पहले शीट शीट में इतन ये जो जो चीजें अभी मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी उसके बाद ही आप वहां पर स्टार्ट करेंगे ड्राइंग को बनाना यहाँ सारी चीजें मार्क रहा तो, हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा धैर्य रखना और ये एक एग्जाम्पल लेके मैंने किया है मतलब कि जो मैं सीट का लेआउट यहाँ पर बना रहा हूँ ये कौन सी सीट मैंने ली है ए वन ठीक है इसीलिए मैंने माप भी लिख दिया आठ सौ इकतालीस और पाँच सौ चौरानवे ए वन बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ओके ये हो गया इसका पूरा अभिन्यास, पूरा लेआउट ये ये चीजें आप लोग इसको लिखिए फिर एक एक पॉइंट में इसमें बताता हूं कि किसका क्या मतलब है चलिए अब एक एक पॉइंट इसमें समझते हैं ध्यान से देखना ये होता है शीट का लेआउट यानी कि अभन्यास जब हम देखो अगर किसी ने लैब अटेंड की है यानी कि जब अपने जिसने भी जो भी डिग्री की होगी तो उसमें अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग उस समय ठीक से पढ़ी है तो थोड़ा बहुत तो याद होगा नहीं भी पढ़ी होगी तो यहां सीख जाओगे कोई घबराने की उसमें बात नहीं है इसमें क्या है जब आपके पास शीट आती है जब आपके पास पेज आता है उसमें हम लोग कोई भी ड्रॉइंग बनाने से पहले ये मार्किंग करते हैं सारी ठीक है ना ये इन विदाउट मार्किंग इस इसकी मार्किंग किए बगैर ये मार्किंग किए बगैर हम आगे उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की वस्तु या किसी वस्तु का कोई भी भाग नहीं पर बनाएंगे उसमें अब इसमें एक एक चीज देखना जो सबसे बाहरी लाइन है जो सबसे आउटर वाली लाइन है ये वाली देखिए इसको मैंने नाम दिया अन ट्रिम्ड शीट यानी कि बिना छटा हुआ ठीक है अब बिना छटा हुआ क्या है और इसके जो अंदर वाली लाइन है उसको मैंने नाम दिया है ट्रिम्ड शीट यानी कि छटा हुआ देखो जब तुम मार्केट में कोई चीज लेने जाओगे यानी कि अगर हम बात करें ये कौन सी सीट है ये मेरी शीट है ए वन मैंने पहली बोल दिया मैंने यहां पर जो किया है वो ए वन शीट के हिसाब से किया है अब यहां पर जो मार्केट से तुम गए तुमने ये कहा कि भाई मुझे ए शीट दो तो ए जो शीट होगी हालांकि वो अपने हिसाब से एवन ही निकाल के देगा लेकिन तुम्हें मैंने जो यहाँ पर माप बताए हैं क्या माप के आठ और पाँच तो तुम अपनी स्केल से आठ और पाँच की लाइन खींचोगे तब तुम ये पाओगे कि जो तुम्हारी शीट है जो तुम्हारी शीट है उसका साइज़ इस साइज़ के जो ये साइज़ देखिए जो ये साइज़ है आठ और पाँच इस साइज से ज़्यादा का है यानी कि जो तुम बाजार से शीट लाए कौन सी एवन शीट जो बाजार से लाए वो थी शीट यानी कि बिना छटी हुई और अब उससे कितना साइज ज्यादा होगा ये समझने वाली बात है कि कितना होगा इस इसका भी प्रावधान दे रखा है वहां पर किताबों में कि मान लो ये आठ सौ इकतालीस और पांच सौ चौरानवे एवन शीट है तो इसका जो साइज होगा वो A1 शीट का जो मार्केट में तुम्हें मिलेगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा यानी कि करीब इसके 10 या 15 mm ऊपर की होगी तो इसलिए हमने उसको छांटा किसकी अपनी स्केल से मदद से 841 और 594 की हमने एक लाइन खींच ली जिसको हमने नाम दे दिया ट्रिम्ड, यानी कि ट्रिम्ड का मतलब है कि अब जो मेरी शीट है अब जिस शीट पे मैं यहां पर ड्राइंग बनाने जा रहा हूं और जो A1 शीट है नाम क्या है A1 शीट तो A1 का ट्रिम्ड सीट से अगर तुम नापोगे जो लाइन दे रखी ट्रिम्ड शीट की नापोगे पूरी तो माप एग्जैक्टली exactly वही निकलेगा जो एवन का है ठीक है ना एक चीज और यहां पर देखने वाली जो नाम मैंने ट्रिम्ड शीट को दिया यानी कि ये हुआ, ये हुआ है मैंने छांट दिया है ठीक है वही नाम मैंने वही चीज मैंने किसको दी है मार्जिन लाइन को यानी कि ट्रिम्ड शीट जहां से स्टार्ट होती है वही मेरी कौन सी लाइन होती है वही होती है मेरी मार्जिन लाइन जो रेखा जो होती है मार्जिन रेखा वही वाली होती है और फिर उसके अंदर एक तीसरी लाइन है जो सबसे अंदर पर है वो कौन सी है वो आपकी बॉर्डर लाइन सीमा रेखा यानी कि सीमा रेखा का यहाँ क्या प्रावधान है सीमा रेखा मतलब कि अब जो ये लाइन मैंने खींच दी है इसके अंदर ही सारी चीजें बनाई जाएंगी इसके बाहर कुछ भी नहीं है ठीक है और देखो क्या क्या है इसमें टाइटल ब्लॉग यानी कि कोई भी ट, टाइटल यानी कि शीर्षक के बारे में शीर्षक की कोई भी जानकारी तुम दोगे तो इस ब्लॉक में दोगे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये इसलिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है टाइटल ब्लॉक के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए ये देखो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि इसका डायमेंशन क्या है मतलब इसकी इसका माप क्या है इसकी लंबाई कितनी होती है चौड़ाई कितनी होती है और टाइटल ब्लॉक इंजीनियरिंग शीट में किस दिशा में दिया हुआ होता है ठीक है ना कौन सी दिशा में दिया हुआ होता है दाई तरफ नीचे की तौर पर बना हुआ होता है और टाइटल ब्लॉक किसके लिए बनाते हैं यह भी क्वेश्चन आया टाइटल ब्लॉक का मतलब यह है ध्यान से सुनना कि अगर तुम कोई शीट बना रहे हो ठीक है ना कोई भी शीट आप बना रहे हैं उस शीट में किसी की भी कोई भी वस्तु का या किसी भी घर का जो भी ड्राइंग आप बना रहे हैं तो वहां की जानकारी कैसे दोगे वो इसी के अंदर दोगे कैसी जानकारी सपोज करो आपकी ए में नौकरी लग गई टेक्नीशियनियर कोई भी जॉब है आपकी ठीक है ना तो आप वहाँ पर आपके पास

ठीक है ये सारी जानकारी और कौन किस तरीके का प्रोजेक्शन यूज किया गया है जो एक टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे प्रक्षेप कि किस तरीके का प्रक्षेप यूज किया गया है सारी जानकारी टाइटल ब्लॉक में देनी पड़ती है और एक आइए अगली चीज फोल्डिंग मार्क यानी कि फोल्ड करना पता है ये फोल्डिंग, फोल्डिंग मतलब क्या होता है उसको फोल्ड करना मोड़ना ठीक है ना ये चिन्ह है कौन से मोड़ने के चिन्ह अगर हिंदी में बात की जाए मोड़ने के चिन. अब इनकी क्या जरूरत पड़ी इनकी जरूरत ये पड़ी एक चीज यहाँ पर देखने वाली है देखने वाली चीज ये है कि जो ये मैंने मार्क किया है एक दो तीन चार इसके अपने एक डायमेंशन होते हैं इसका अपना एक माप होता है ठीक है यहाँ एवन शीट का माप कुछ और होगा जीरो का कुछ और होगा कहने का मतलब मैंने इस क्यों नहीं तुम्हें इतना डीप बताया क्योंकि उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी तुम्हें बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है यहां पर क्या करना है तुमको ये मार्क है मार्क ये क्या दर्शाते हैं ये कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे मार्क करके ये क्या दर्शाते हैं और इसका यूज क्या है फोल्डिंग मार्क क्या है देखो फोल्डिंग मार्क का मतलब है कि अब भाई शीट बात है A1 की तो A1 शीट इतनी तो होगी नहीं जैसे ए फोर का होता है कागज अब तुम इतना सा कागज अगर लेके चलोगे ये कागज है आपके पास तो ये क्या है ए फोर है ये। ये तो A4 तो छोटा है लेकिन ए वन होता है बड़ा अब भाई उसके अंदर कोई तुमने ड्राइंग करवाई तो ड्राइंग जब बनाने के बाद उस चीज को तुम कहीं कैरी करके कहीं लेके जा रहे हो तो कहा कैसे लेके जाओगे कहीं से उसको तुम्हें फोल्ड करना पड़ेगा फोल्ड कहाँ से करोगे मन चाहे तरीके से फोल्ड तो करोगे नहीं क्योंकि बात क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग की है हर चीज यहाँ सभ्यता से की जाएगी हर चीज नियमानुसार होगी तो नियम क्या कहता है नियम यह कहता है इसीलिए फोल्डिंग मार्ग बनाए गए कि जब भी आप ए शीट को फोल्ड करोगे या कोई अलग शीट को फोल्ड करोगे तो एक दो तीन चार उसके ऊपर चार फोल्डिंग मार्ग यानी कि मोड़ने के चिन्ह बनाए गए होंगे उनका अलग अलग डायमेंशन होता है मोड़ने के चिन्ह बनाए गए चार के एक फोल्ड यानी कि मोड़ अब देखो ऐसे देखो यहां से हमने एक मोड़ दिया फिर यहां से एक मोड़ दिया यहां से और यहां से इस तरीके से हम उसको मोड़ेंगे ऐसे नहीं कि हमने ऐसे पकड़ा और अपने हिसाब से मोड़ के चल दिए नहीं कहां से मोड़ोगे यहां से मोड़ोगे एक यहां से मोड़ दोगे यहां से मोड़ दोगे यहां से मोड़ दोगे यहां से मोड़ दोगे और प्लस ये तो अलग से दिए गए हैं चार एक होता है सेंटरिंग मार्क यानी कि केंद्र चिन्ह केंद्र चिन्ह जो है बीचों बीच होता है इसीलिए नाम भी है सेंटर बीचों बीच ठीक है तो आप यहां से तो मोड़ ही सकते हो सेंटरिंग मार्ग देखो अब क्वेश्चन कैसा आता है ध्यान से सुनना एक बार क्वेश्चन आया भी था रेलवे में सपोज करो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी ड्राइंग शीट में कितने फोल्डिंग मार्क होते हैं यानी कि या फिर यह कह दिया जाए कि ड्र, ड्र, ड्राइंग शीट को कितनी जगह से मोड़ा जा सकता है कितने तरीके के फोल्डिंग मार्क होते हैं तो अब देखो फोल्डिंग मार्क कितने होते हैं अब तुम कंफ्यूज यहां पर ये मत होना ध्यान से सुनिए कंफ्यूज ये मत होना कि सर ने बताया था कि एक दो तीन चार हाँ भाई चार जगह से फोल्ड कर सकते हो यानी कि मोड़ सकते हो और एक तो सर ने कहा था सेंटरिंग मार्क जो होता है वहां से तो कर ही लेते हो तो तुमने आंसर उसमें टिक करके चले आए एक दो तीन चार और प्लस एक तुम पांच वहां पर लगा के आ गए जैसे ही तुमने पांच लगाया एग्जामिनर ने उसको तुरंत उसको काट दिया और निगेटिव मार्किंग जो भी है वो आपकी दे दी अब यहां पर क्या गलती तुमने कर दी उसने तुमसे पूछा था कितने फोल्डिंग मार्क होते हैं फोल्डिंग मार्क तो बेटा चार ही होते हैं ये जो सेंटर मार्क होता है ये एक बाई डिफॉल्ट होता है बाई डिफॉल्ट का मतलब है ये हम सिर्फ मोड़ने के लिए नहीं सेंटरिंग मार्क लगाते हैं ये हम लगाते हैं दो, दो चीजें जानने के लिए पहला तो ये कि हाँ ये हमारा सेंटर है सेंटर यानी कि अपनी शीट का केंद्र क्योंकि जब मुझे किसी चीज़ का बीचों बीच की जगह पता लग जाती तो मुझे वहाँ पर वस्तु की किसी भी वस्तु की ड्रॉइंग बनाने में बड़ी आसानी पड़ेगी ठीक है इसलिए ये सेंटरिंग मार्क यूज होता है इसीलिए इसको हम फोल्डिंग मार्क में कंसिडर नहीं करते हालांकि हम यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं वो एक अलग बात है कर सकते हैं प्रावधान है इसका कि आप सेंटरिंग मार्क से फोल्ड कर सकते हो लेकिन स्पेशली जब पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि फोल्डिंग मार्क कितने होते हैं कितने तो तुम यही बोलोगे चार और एक चीज और है कितने भी शीट हो ए वन ए जीरो ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स जो भी है आपके फोल्डिंग मार्क एक दो तीन चार ही होंगे हाँ डायमेंशन अलग अलग होंगे यानी कि अब ए वन को अगर डिवाइड करोगे इस पूरी इसकी लंबाई को अगर तुम डिवाइड करोगे तो इसको तुम 841 के हिसाब से कर रहे हो कुछ और होगी तो उसके हिसाब से करोगे तो यहां पर लेकिन होंगे चार ही तो क्वेश्चन मुद्दा सिर्फ इतना है कि कितने होने चाहिए मुद्दा यह नहीं कि कितने में डिवाइड कर रहे हो कितनी इसकी माप होना चाहिए इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहां पर सिर्फ चार इसका आंसर होगा तो हर चीज के बारे में अब देखो एक बॉर्डर लाइन भी बता दी मार्जिन लाइन भी बता दिया ट्रिम्ड सीट भी बता दी यानी कि जो छटी हुई होती है और अनट्रिम्ड भी बता दिया जो बिना छटी हुई होती है अब इसी से दो तीन चीजें और निकलेंगी दो तीन चीजें क्या निकली यहां पर पहली चीज ये निकली कि सर एक क्वेश्चन आता है अगर मैं ध्यान से सुनो यहां पर ध्यान से देखो अगर देखो तुमसे मैं पूछ लूं कि ये जो बाहर वाली रेखा है और उसके जो अंदर है यानी कि बाहर और अंदर इन दोनों का बीच का गैप कितना होगा इन दोनों की बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है तो तुम बता सकते हो कि ट्रिम्ड किया कि छाटा अपने के से, तो मेरी वो सीट यहां तक पड़ी तो मतलब ये इतना एक्स्ट्रा था तो इतनी हो गई कि ठीक है चलो समझ में आता है अब लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लू जो बीच वाली लाइन है जो कि ट्रिम्ड सीट जहां से शुरू होती है मार्जिन लाइन भी जिसे कहते हैं तो मार्जिन लाइन और अंदर वाली बॉर्डर लाइन इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ठीक है इसके इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये 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 जो आपको दिख रहा है इधर देखिए ये, ये वाला ये कितना होगा भाई इसका तो कोई माप होगा ना अंदाजे से तो कुछ नहीं करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी चीज अंदाजे नहीं चलेगी ये आप लोग ध्यान में रखिए एक एक छोटी से छोटी चीज का प्रावधान दे रखा है यहां पर ठीक है हाँ कई लोग आंसर बता रहे हैं बीस एम एम देखो किसी ने भी बोला मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा गौतम कुमार हाँ ले लेते हैं इन्होंने कहा सेंटीमीटर बता रहे हैं मैंने तुमसे पहली कहा कोई भी वैल्यू इंजीनियरिंग ड्राइंग में एम mm एम के अलावा नहीं होगी बताया था ये स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई और आप लोगों ने सोचो आधा घंटा भी नहीं हुआ वहाँ पर गड़बड़ी कर दी ठीक है कोई दिक्कत नहीं गड़बड़ी की है तो गड़बड़ी से ही सीखोगे और ये चीज़ अच्छी बात है अब एक चीज़ देखना ये जो बॉर्डर लाइन अगर आप इसको लिख सकते हो एक लाइन में तो लिख भी लेना मैं इसको रब कर रहा हूं अच्छा कई तरीके के आंसर आ रहे हैं पंद्रह पंद्रह तीस कोई कह रहा है तीस पंद्रह पंद्रह ठीक है चलिए कोई नहीं अब मैं बता देता हूं एक चीज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मेरे अगर मैं यहां पर कोई माप बताऊं तो मुझे हंड्रेड परसेंट पूरा यकीन है कि आपका कुछ और माप होगा मेरा कुछ और माप होगा ठीक है जैसे कि अगर मैं बोलूँ लिखवाऊं जैसे कि ए जीरो और ए वन दो तरीके की शीट बताई मैंने ए जीरो और ए वन इन दोनों की अगर बात की जाए तो बॉर्डर लाइन यानी कि जो सीमा रेखा थी बॉर्डर लाइन कौन सी तुरंत अभी मैंने यहां पर बनाया आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा तुरंत दिमाग में एक इमेज बन गई होगी अच्छा बॉर्डर लाइन यानी कि अंदर वाली लाइन बॉर्डर लाइन और मार्जिन लाइन का गैप कितना है तो मेरे हिसाब से हिसाब से क्या जो सही है वो है आपका बीस एम एम ये किस किस के लिए है ए जीरो और ए वन के लिए है ठीक है अगर हम बात करें बाकियों के लिए कौन कौन से बाकी बचे ए टू ए थ्री ए फोर और ए पांच या और ए सिक्स इनके लिए अगर बात करें तो वही आपका गैप बन जाता है दस एम एम कई लोगों के कुछ और होंगे आंसर कई के देखो चालीस बीस फीस बोल रहे हैं राधे कांत यादव जो उन्होंने अभी बोला कि चालीस बीस फीस तुम्हारा रीजन मैं बताऊंगा तुमने चालीस बीस बीस क्यों बोला तुमने गलत नहीं बोला तुम कहीं पर भी गलत नहीं हो लेकिन तुम इस चीज को तुमने क्यों बोला वो मैं अभी जस्ट बताता हूं यही सच है यही एकदम सही इसका जो भी मैंने डायमेंशन है यही है अलग अलग किताबों देखो मैंने अब मैं कुछ किताबों का नाम नहीं लेना चाहता हूं हर कोई अपनी मेहनत करता है अपनी मेहनत से किताबें निकालता है ठीक है होता है उसमें लेकिन मैंने देखो तैयारी मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की ई के हिसाब से तो की नहीं है सही बात है मैं अपना पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को मैंने पढ़ रखा है पूरी तरीके से उसका डीप ड के हिसाब से नहीं ELP के ऊपर भी भी किसी भी लेवल पर चले जाओ किसी किसी, तो इंजीनियरिंग से बता रहा हूं और स्टैंडर्ड कौन बनाता है बी कौन बनाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लिखना चाहते हो तो लिख लो भारतीय मानक ब्यूरो ठीक है ना कौन सा भारतीय मानक ब्यूरो मैं इसमें लिखे, लिखे भी देता हूं यह क्वेश्चन था इसीलिए मैं लिख रहा हूं मेरा कोई शौक नहीं है ये जितने भी जो तुम इंजीनियरिंग ड्राॅइंग में पढ़ते हो ना कि शीट क्या है है ना ए जीरो का माप क्या है ए वन का माप क्या है और ड्रॉइंग आगे जितने भी उपकरण तुम पढ़ोगे उनका ये क्या है ये किसने ये कौन रूल तय करता है ये रूल तय करने वाला कौन है अपना बी आई एस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार किसमें पूछा गया रेलवे में ही पूछा गया है इसलिए मैंने इस चीज का जिक्र कर दिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ठीक है कई लोगों ने कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं कई लोगों ने कि अच्छा मतलब इस चीज का उन्हें पता था कोई बात नहीं जिनको नहीं पता था उसके लिए मैंने बताया तो ये वो सब बताते हैं तो ए ए जीरो और ए वन के लिए बीस एम एम होती है क्या बॉर्डर लाइन और मार्जिन लाइन की डिस्टेंस और अगर ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव सिक्स के लिए बोलेंगे तो दस एम एम दो तीन कमेंट मैंने पढ़े उनके बारे में चर्चा करते हैं कमेंट क्या थे उन्होंने कहा सर 40 एम mm एम भी होता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है 40 एम mm एम भी होता है कैसे उन्होंने शायद इसलिए कहा होगा कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था यानी कि अपने स्कूल वो अपने कॉलेज में या फिर जहां से भी उन्होंने यह इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पढ़ी थी उन्होंने जब ये इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में कोई भी ड्रॉइंग बनाई थी तो उन्होंने ये चीज की थी कि राइट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड लेड चालीस एमएम का डिस्टेंस छोड़ा था मान लो ये आपकी सीट है तो इस साइड उन्होंने 40 mm का का डिस्टेंस छोड़ा छोड़ा था कहां पर कॉलेज में है और बाकी जगे, बाकी जगह जगह 20 20 का छोड़ा था किसके लिए A0 ए जीरो ए वन के लिए सुनना ये आप ही का डाउट है उसी उसी डाउट में से निकाल के मैं बता रहा हूँ ठीक है अब उन्होंने इसी को बता दिया तो वो गलत वो भी नहीं है क्योंकि यही लेकिन ये चालीस हम वहां पर क्यों छोड़ते थे हम इसलिए छोड़ते थे हम ये मानते थे कि भाई ये सीट ऐसे रखी है कैसे इस तरीके से तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ लगाएंगे क्या लगाएंगे वो आगे पढ़ोगे क्या लगाएंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा गैप रख देते थे किस लिए कि भाई वो गैप हमारा दब ना जाए अपनी सुविधा के लिए हमने चालीस एम mm रखते थे इसका कोई वो नहीं है कि उन्होंने बताया है ठीक है ना इसलिए उन्होंने चालीस एम mm बोला वो मुझे पता है चालीस एम mm क्यों रखते थे अब यहां से क्या क्या निकल के आई पहली चीज अगर आपसे कोई पूछ ले एरिया किसका एरिया ऑफ ए जीरो सीट का एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका ए जीरो का तो वो क्या आएगा एप्रोक्स पॉइंट नाइन 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 समथिंग आता है जिसे हम एक मीटर स्क्वायर मान के चलते हैं जिसे हम एक मीटर स्क्वायर मान के चलते और ये क्वेश्चन दसों एग्जाम में पूछा गया है क्या कि एरिया कितना होगा ए जीरो का तो तुम उसको तुरंत ही लिख देना कि भाई ए जीरो का एरिया होगा एक मीटर स्क्वायर दूसरी चीज विथ अपॉन एल यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा ये याद रखना एक अपॉन रूट टू अब देखना इसको बताते ही सौ कमेंट आएंगे मेरे पास मुझे पूरी उम्मीद है सौ कमेंट आएंगे इसके ऊपर कि सर ये तो अरे ऐसा नहीं ये तो लंबाई अपॉन वो लेंथ अपॉन विड़थ होता है आपने विथ अपॉन लेंथ बता दिया ये मुझे पता है आएंगे क्योंकि तुम दस बुक उठाओगे दस बुक में अलग अलग तरीके का कोई कुछ कोई कुछ तो मैं उनको तो आधार मानता नहीं हूँ साहब मैंने पहले ही बताया कि भाई मैंने जहां से पढ़ा है जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है अब मैंने वैसी बुक्स तक किताबें तो पढ़ी नहीं है जो एग्जाम के दस दिन पहले जल्दी जल्दी में रिलीज कर देते हैं और उसी चीज को अपना सच मानते हैं तो याद हमेशा रखना विथ अपॉन यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा एक अपॉन रूट टू बस यही सत्य है इसी को याद रखो इसी को बोलो ठीक है ना कई लोगों ने सही भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है कई लोगों ने सही भी आंसर दिया है ठीक है रूट टू रेशियो वन पढ़ा है जैसे गोपाल कुमार ने बोला कि रूट टू इन्होंने गोपाल कुमार ने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि एल और बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जब अनुपात करेंगे तो वन वाई रूट टू निकलेगा इन्होंने ये पढ़ा होगा मैं मानता हूँ इसीलिए मुझे पता है ना कन्फ्यूजन कहाँ से निकल के आएगा अगर ये चीज़ ये चीज़ मैंने बहुत पहली बोल दी थी तुमसे कि ये कन्फ्यूजन आएगा लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वही सही है कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैं बता रहा हूँ ठीक है कहीं कोई, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पर चल रहा है क्वेश्चन इतने करा देंगे और पुराने साल के इतने क्वेश्चन करा देंगे कि एक भी कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी लेकिन उसके लिए धैर्य सबसे बड़ी शर्त है कि धैर्य को थोड़ा बना के रखना पड़ेगा तो ये हो गई ड्राइंग शीट की सारी चर्चा ठीक है जितना भी ड्राइंग शीट के बारे में बता सकते थे वो मैंने बताया जो तुम्हारे लिहाज से ज़रूरी है सबसे पहली बात ये भी है क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर अपने आप में पढ़ने पे आया जाए तो बहुत लेंदी है ठीक है लेकिन अच्छी बात यह है कि ए एल ने अपना बता रखा है कह रखा है कि भाई तुम्हारा इतना इतना सिलेबस है तुम्हें उसी के इर्द गिर्द काम करना है उसके ना इधर जाना है ना कहीं और अगली हेडिंग है आपकी ड्राइंग बोर्ड ठीक है अब देखते हैं ड्राइंग बोर्ड भाई शीट पे तुमने जो आ, कोई भी ड्राइंग बना रहे हो किस पे उस पेपर पे तो वो पेपर कहीं तो रखोगे ऐसा तो है ना हाथ में रख के तुमने बना लिया नहीं ना तो कहीं रखो वो रखोगे बोर्ड पे रखोगे तो जो बोर्ड होगा उसके भी कुछ किसने बी ने ये जो भी चीजें कर रहा है कौन कर रहा है बी कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसने कुछ भी उस ड्रॉइंग बोर्ड के भी कुछ अपने वो बना रखे थे रूल्स उसके बारे में चर्चा पहली चीज उन्होंने ये बोला किसने बोला बी ने कि जो आपका ड्राइंग बोर्ड होगा वो नर्म लकड़ी से बना हुआ होगा नर्म लकड़ी का होगा यानी कि इंग्लिश में बोले तो सॉफ्ट बुड कई दिमाग हो सकता है ज्यादातर लोगों को पता हो लेकिन जिसको नहीं पता हो तो उनके लिए है कि लकड़ियाँ जो होती हैं वो मूलतः दो तरीके की होती हैं एक है कठोर यानी कि हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड ठीक है ये जो वुड्स होते हैं जो लकड़ियाँ होती हैं उनका ये वुड्स जो होती हैं आपकी दो तरीके की होती हैं हार्ड और सॉफ्ट तो उसी का है कि जो ड्राइंग बोर्ड की जो लकड़ी होगी जो लकड़ी का ही बना होता है वो होगा कैसा नर्म लकड़ी का अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा कैसा होता है परेशान मत होना उसके लिए कि नर्म लकड़ी का होगा जैसे कि सॉफ्ट वुड में कुछ लकड़ियाँ होती हैं जैसे ओक होती है ठीक है ये इजी, ये किसके अंदर आती है ये नर्म लकड़ी के अंदर आती है वाइट पाइन यानी कि सफेद पाइन होती है एक पाइन की लकड़ी जिसे कहा जाता है सफेद पाइन ये भी इसी के अंतर्गत आती है और भी कई श्रेणी की है ठीक है तो मेनली तो यही यूज होती है और एक चीज और है ये जो लकड़ी यूज करोगे सॉफ्ट तो होगी पल, प्लस क्या क्या होगी इसकी विशेषताएं लकड़ी की विशेषताएं देखना होगी मौसमी लकड़ी अब मौसमी क्या होता है मौसमी का मतलब है मौसमी का मतलब है कि भाई कि जब अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही मौसम चलता रहेगा एक ही मौसम तो चलेगा नहीं मौसम बदलेंगे मौसम बदलेंगे तो इस लक, लकड़ी से शर्त ये रखी जाती है कि मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह है। तो कहने का मतलब है कि लकड़ी बदलनी नहीं चाहिए मौसम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए जैसी तुमने नई ली थी वो वैसी ही रहे चाहे सर्दियां आए चाहे गर्मियां आए मौसम की तरह लकड़ी को नहीं बदलना है इसी से कहते हैं उसको मौसमी लक, लकड़ी ठीक है और होता है इसको इंग्लिश में सीजनड भी कहते हैं वेल सीजनड ठीक है वेल सीजनड इसको बोलते हैं इंग्लिश में और एक और क्वालिटी क्या होती है कि ये जो होती है गांठ मुक्त होती है गांठ मुक्त इंग्लिश में अगर बोले तो फ्री फ्रॉम नॉट गांठ को क्या बोलते हैं नॉट इंग्लिश में फ्री फ्रॉम नॉट गांठ मुक्त देखा होगा कभी लक, लक, जो भी लकड़ी लकड़ी तुमने देखी होगी गांठ सी ल, उसमें बनी रहती है कुछ अंदर को ठीक है उसमें अलग से वो दिखता है तो वो लकड़ी यूज नहीं होनी चाहिए जो भी तुम इसमें वुड यूज़ करोगे वो नॉट फ्री फ्रॉम नोट यानी कि गांठ मुक्त होगी उस लकड़ी में गांठ नहीं होनी चाहिए ये कुछ उसकी विशेषताएं हैं किसकी क्वेश्चन ये भी आया है ठीक है मैं देखो एक एक क्वेश्चन अलग से तो कराऊंगा कराऊंगा हर दिन कराऊंगा जैसे अभी आप क्लास जब आधे घंटे की रह जाएगी तो उसमें सिर्फ यही इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन होंगे सिर्फ रेलवे के जो पुराने पेपरों में आए हैं और कुछ नहीं होगा लेकिन मैं साथ साथ भी क्वेश्चन बताता हूं क्योंकि दिमाग में चलते रहते हैं क्वेश्चन अब यहां पर क्या ये क्वेश्चन एक बार आया था उसमें दो तीन पॉइंट दे रखे थे कि भाई जो ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए और यह तो सबको पता है नरम लकड़ी होनी चाहिए लेकिन इनका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखना गांठ मुक्त भी होगी मौसमी भी होगी और नरम लकड़ी भी होगी सॉफ्ट वुड की बनी हुई होगी क्या आपका ड्रॉइंग बोर्ड अब देखना दिखता कैसा है ये कुछ इस तरीके का अब इसमें एक ये, है, एक देखना क्या क्या है? और एक ये जो पट्टिया लगी हैं ऐसे, ऐसे कैसे कौन सी चीजें इनके बारे में बात बोल रहा हूँ और ये तुम जो देख रहे हो ना ये ड्राइंग बोर्ड का नीचे का हिस्सा मैं तुम्हें तो दिखा रहा हूं ऊपर का नहीं ऊपर तो भाई प्लेन ही होगा तुमको भी पता जब प्लेन होगा तभी तो रखोगे ऊपर सीट ये नीचे का हिस्सा है ये लकड़ी ये जो दोनों हैं, इसको कहते हैं बैटन्स बैटन और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली ऐसी ऐसी लेटी लकड़ियां हैं इन्हें हम कहते हैं स्ट्रिप्स तो बैटन्स हो गई और स्ट्रिप्स हो गई ठीक है तो ये भी कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपको दे देगा बोल देगा कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा ड्राइंग बोर्ड का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है तो याद रखना ड्राइंग बोर्ड के क्या हिस्से है? हैं सिर्फ बैटन है और स्ट्रिप है एक और चीज है वो चीज देखते हैं क्या है देखो यहां पर मैं यहां पर मार्क करूं कुछ अलग कल, अलग तरीके के मार्कर से जिससे थोड़ा दूर से दिखे इस साइड ये लाल कलर से देखना बेटा ये सिर्फ इसी को अलग कर रहा हूं इबोनी ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कई बार इसका इसके ऊपर इबोनी तो पूछा ही जाता है कि इबोनी होता क्या है ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में इधर पर ये लेफ्ट है ठीक है उल्टे हाथ पर देखिए ये लाल कलर से जो मैंने डॉट तुम्हें दे रखा है ये डॉट का मतलब ये नहीं जरा समझने की चीज है यहां पर कि ये डॉट है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर कुछ डॉट होगा लेफ्ट डॉट का मतलब ये है कि उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक जगह होती है जिसे हम इबोनी बोलते हैं अब होता क्या है वो समझो इबोनी एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक जगह है मतलब कि अगर देखो एक एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं एक उदाहरण देके थोड़ा आसानी रहेगी तुम्हें भी समझने में मान लो ये जो मेरे हाथ में डस्टर है ठीक है ये डस्टर क्या है आपका ये आपका है ड्राइंग बोर्ड अब मैंने जैसे कि कहा कि लेफ्ट हैंड पर अब इसका लेफ्ट क्या है ये है इस डस्टर का लेफ्ट ये है तो यहां पर आगे चल के एक और उपकरण हम पढ़ेंगे वो उपकरण वो उपकरण क्या होगा वो होगा टी स्क्वायर उसके बारे में भी बताऊंगा। वो उपकरण होगा टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर को इधर पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम फिट करते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड से हम लगाते हैं तो वही टी स्क्वायर लगाने की जो एक जगह एक अगर एकदम देसी भाषा में बात करें अगर देसी बोले तो उसका एक जो सा दिया रहता है ठीक है ना उल्टे लेफ्ट हैंड पे एक कोपचा सा उसका दिया रहता है किसमें ड्राइंग बोर्ड पर इस पूरे उसमें ठीक है जिससे हमारा जो सेट टी स्क्वायर है वो आसानी से ऐसे फंस जाए उसमें फिर टी स्क्वायर क्या है फिर वो आगे पीछे मूव नहीं करेगा मतलब आगे पीछे नहीं चलेगा वो ऊपर नीचे खिसकता है बस ठीक है टी स्क्वायर जब ऐसे फिक्स किसमें फिक्स हो जाता है टी स्क्वायर एबोनी में ऐबोनी में ऐसे उसके कोपचे में आ, फिक्स होने के बाद वो आगे पीछे नहीं खिसकता है वो ऐसे 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 खिसकता है ऊपर यूज़ कर लो फिर नीचे खिसका दो नीचे खिसका दो इस तरीके से चलता है तो यानी कि क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया एवोनी कहाँ होता है उल्टी साइड होता है यानी कि उल्टे हाथ की तरफ एवोनी क्यों होता है टी स्क्वायर को लगाने के लिए होता है एवोनी किस चीज़ का हिस्सा है ड्राॅइंग बोर्ड का हिस्सा है तो एक ही चीज़ पर इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और बने भी हैं ठीक है ना तो इसको याद रखना इबोनी लेफ्ट हैंड पे होता है और ये पॉइंट इसलिए बताया मैंने कि इस पूरे पे होता है एक एक कोपचा कोपचा सा है है मैंने बोल दिया धसा हुआ होता यानी कि उसमें स्पेस क्रिएट कर देते हैं अगर और समझो तो लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस क्रिएट कर देंगे जिस स्पेस में आप अपने टी स्क्वायर को फंसा सको सबसे सही आंसर यही है ठीक है उस उस जो टी स्क्वायर के लिए जो स्पेस क्रिएट करके रखा है उसमें फंसा सके ठीक है ठीक है अब इसमें देखते हैं कितने तरीके के होते हैं डी स्क्वायर वो सॉरी जो ये ड्राइंग बोर्ड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं इसको मैं अभी बना रहने देता हूँ इसको मैं नहीं हटाऊंगा क्यों नहीं हटाऊँगा क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर समझाऊंगा फिर मुझे ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है अगर ड्राइंग बोर्ड नहीं है तो तुम टी स्क्वायर यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो इसलिए इसको बना रहने देते हैं और साइड में आपको बताते हैं कि जो ड्राइंग बोर्ड है उनके टाइप क्या है अब एक चीज़ याद रखना यार जो मार्केट में यानी कि बाजार में जो बी आई एस ने जो बोला है कि इतने तरीके के यूज होंगे क्या होंगे ड्राइंग बोर्ड वो हैं आपके चार जैसे जिसे डी जीरो के नाम से संबोधित किया गया अब यहां पर कोई मुझसे ये मत कहना कि सर मैंने तो डी जीरो डी वन पढ़ा ही नहीं है मैंने पढ़ा है बी वन बी वो तुम्हारी मर्जी अब इसको बी कह लो या डी कह लो है ना अब इसको तुम सी कह लो या ई कह लो वो उससे फर्क नहीं पड़ता कहने का मतलब है अगर इसको बी बोलोगे तो बी जीरो बोल देना यार तो ये चार तरीके के होते चार ही तरीके के इनके डायमेंशन भी लिख लो देखो ये चार तरीके के मैं बोल के बता रहा हूं बाई चांस जैसे किसी को नहीं दिख रहा हो क्योंकि थोड़ा जीरो, क्या है पहले तरीके का जो है पंद्रह सौ इसकी लंबाई है ऐसे देख लो ये लंबाई है ये चौड़ाई है ये इसकी ऊंचाई है या मतलब जो थिकनेस कह लो मोटाई ये इसकी ये मोटाई थिकनेस दूसरे तरीके का है डी यानी कि सात फिर इसकी मोटाई पच्चीस एम mm एम में है मैंने पहली कह दिया अगर मैं यूनिट नहीं लिखता हूं क्या यूनिट नहीं लिखता हूं कि एम mm एम और सेंटीमीटर तो मैंने इसीलिए लिए पहली ये चीज़ बता दी कि भाई हर चीज़ इसमें किस में होगी मिलीमीटर में ये बी का फरमान है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारी चीज़ें मिलीमीटर मीटर एम में, में ही ली जाएंगी और यह है डी डी वन ये है डी टू यह है डी थ्री ये, ये आपका चार तरीके के क्या चार तरीके के आपके ड्राइंग बोर्ड बाजार में पाए जाते हैं या मिलते हैं अब अगली हेडिंग है टी स्क्वायर t इंग्लिश में अगर इसको लिखोगे तो सिर्फ ऐसे लिखोगे अच्छा एक जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा बड़ा मतलब लगता है कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोई कैसे दे रखा है अब मैंने वही स्टार्टिंग में ही कहा बुक का मैं कोई नाम नहीं लूंगा ठीक है लेकिन वही मैंने कई वो कैसे देखी जबरदस्ती सिर्फ क्वेश्चन की संख्या बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए सिर्फ वही है ना कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चनों को 100 या 200 क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट किया जाए तो उन्हीं क्वेश्चनों में इधर उधर खेलते रहो जबरदस्ती बना दो ना जिंदगी में आए ऐसे क्वेश्चन ना कभी आएंगे तो वही मैंने देखा कहीं पूछ रखा था टी स्क्वायर किस सेप का होता है ए बी सी डी और ई e टी दे रखे तो ऑप्शन एकदम बेफूफे वाले क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे सबको ही पता है जब नाम टी स्क्वायर है तो टी का ही होगा ठीक है अब देखो टी स्क्वायर क्या होता है टी स्क्वायर अब मैंने कहा नाम है तो नाम के हिसाब से जाते हैं ये है आपका टी स्क्वायर अब देखना इसमें कई चीजें हैं उनके बारे में देखते हैं इस चीज को हम कहते हैं स्टोक ये जो मेरा एंगल है जो कोण है इन दोनों के बीच में यह है नब्बे डिग्री का ठीक है ये जो है यह है ब्लेड ठीक है ये क्या है हमारा ब्लेड और यह जो पोर्शन है अब यहां पर जो मैं मार्क कर रहा हूं वो देखना यह जो पोर्शन है ये पूरा है जो इधर की लाइन है इसे हम कहते हैं वर्किंग एज यानी कि कार्यकारी किनारा कारी किनारा, कार किनारा में देखो अगर हो सकता है देख ना रहा हो तुमको ठीक से इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं एक एक चीज दोबारा से बोल भी रहा हूं तो मेरे शब्दों पर भी ध्यान रखना बाय चांस तो ठीक है तो शब्द क्या है ये इसमें तीन चीजें हैं और कुछ नहीं है देखो ये है ब्लेड ये जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है ये है ब्लेड और ये पोर्शन जो है ये है स्टॉक इसे कहते हैं स्टॉक ठीक है stock. अगर हिंदी में भी लिखो तो स्टॉक और इन दोनों के बीच में कितना कोण होता है नब्बे डिग्री अब देखो ये है मामूली चर्चा अब देखते हैं देखो एक और कंफ्यूजन अब तुम पता आज ये भी हो सकता है कहो कि अरे यार केतन सर ने पढ़ाया क्या दस जगह कंफ्यूज और कर दिया अब क्या करें अगर हम तुम्हें कंफ्यूज नहीं करते तो हम वही जो किताबों में यहाँ जो मार्केट में समय किताब हैं जो आ, ए एल पी के लिए जो आई हैं उनके हिसाब से अगर हम तुम्हें बताते रहते कि भाई उनकी ये है उसमें बीस दिया उसमें चालीस दिया है उसमें लंबाई ये दी है इसमें लंबाई ये दी है ना तो फिर शायद तुम तब खुश रहते लेकिन हम मेरा काम वो नहीं मेरा काम है जो सही है उस चीज़ को बताना अब अगला कन्फ्यूजन तुम्हारा कहाँ से निकल के आएगा इधर देखो कैसे आएगा मैंने तुम्हें अभी समझाया कि टी स्क्वायर कहाँ यूज किया जाता है टी स्क्वायर यूज किया जाता है ड्राइंग बोर्ड में जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं उसके जब शीट के नीचे जो हम बोर्ड रखते हैं उसमें लेफ्ट हैंड उस बोर्ड के उल्टी साइड में ठीक है एक जगह दी जाती है स्पेस क्रिएट करके रखा जाता है एक जगह बना के रखी जाती है पहले से ही जहां पर हम अपने टी स्क्वायर को फिट करते हैं ठीक है उसकी मदद से मान लो ये मेरा टी स्क्वायर है ये मार्कर ये मेरा मार्कर टी स्क्वायर है इसमें ठीक है ये मैंने ऐसे यहाँ पर फिट कर दिया अब ये क्या है अब ये आगे नहीं जा सकता ठीक है ये पक्की बात है क्योंकि ये फिट हो गया है स्पेस क्रिएट करके रखा है वहां पर उस स्पेस को कहते हैं एबोनी अब ये सिर्फ ऊपर नीचे से स्लाइड करेगा अब देखो क्वेश्चन कई बार क्या आया है क्वेश्चन ये आया है कि टी स्क्वायर के मदद से टी स्क्वायर की मदद से आप कौन कौन सी रेखाएं खींच सकते हो अब ये जैसे क्वेश्चन है अगर इसका, अगर अगर आप आप लोग इसका इसका ये जवाब देना चाहें कमेंट में तो बिल्कुल दे सकते हैं जैसे मैं मैं खुद क्वेश्चन पूछ रहा हूं इससे कि टी स्क्वायर की मदद से आप कौन कौन सी रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं खींच सकते हो और मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं ठीक है काफी लोगों ने अंजलि सिंह ने बोला है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कौन कौन सी इसमें मुझे सारी चीजें जाननी ऑप्शन मैं तुम्हें दे रहा हूं ठीक है ऑप्शन मेरे ये हैं पहला है आपका वर्टिकल लाइंस दूसरा है हॉरिजॉन्टल तीसरा इनक्लाइंड और मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ टी स्क्वायर की मदद से आप कौन कौन सी लाइन काफी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लोगों ने बोला है बस यही मैं मेरा मैं बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था बहुत सही बहुत अच्छे मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर दिया है लेकिन कुछ लोगों ने जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बस और हाँ समानांतर और क्षेत्र जिसको मैं बोल दे रहा हूँ हिंदी में ही बोल दे रहा हूँ ये समानांतर होती वो सॉरी ये क्षेत्र होती हैं समानांतर मतलब पैरेलल होता है ठीक है और ये वर्टिकल जो ऊर्द्वाधर होती हैं इंक्लाइन यानी कि जो तिरंक होती हैं यानी कि तिरछी रेखाएं होती हैं तो काफी लोगों ने बोला है लगभग सारी आंसर आ गए इनक्लाइंट भी लोगों ने बोला है अब देखो अब मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं जो जो मुझे जानना था तुमसे वो मैंने जान लिया और वहीं से मैंने एक क्वेश्चन निकाला क्योंकि मुझे पता है ना कंफ्यूजन है इससे पहले भी बच्चे पढ़े हैं और ये कंफ्यूजन बेटा तुम्हारे कोई गलती नहीं है कंफ्यूजन है वो, वो किताबों का कुछ भी दे रखा है सामने प्रूफ है कि करके दिखाओ जरा जिसने ये बोला है कि टी स्क्वायर की मदद से किसकी मदद से टी स्क्वायर की मदद से हम वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं यानी कि खड़ी रेखा जो उर्वर होती है कैसे खींच लोगे लाइन मैं बताता हूं कैसे खींचते हैं वर्टिकल लाइन देखो टी स्क्वायर के उपयोग क्या होते हैं अभी मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा टी, टी, टी स्क्वायर का तीन उपयोग होते हैं ध्यान से सुनना कंफ्यूज नहीं हो गए प्लीज दो मिनट तक इसको ध्यान से मेरी बात सुनना टी स्क्वायर जो होता है

ये आपका टी स्क्वायर ऐसे लगा है अब ये मैंने बोला कि ऊपर नीचे ही तो जा रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे यार ये बताओ जब ये आगे पीछे जाएगा नहीं तो तुम अब तुम ये मत कहना कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है टी स्क्वायर ऐसे उठाओ और यहां लगा लो नहीं 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 इंजीनियरिंग ड्राॅइंग और बी आई इसीलिए तो बने हैं इसीलिए तो बेटा बने हैं बी आई एस जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो क्यों है इसीलिए कि तुम्हें सही चीज के लिए सही पता बताना देखो सबसे बड़ा उदाहरण सुनना घर में मम्मी से डांट पड़ी होगी ठीक है और अगर यूपी बिहार के साइड के होगे जैसे हम तो भाई यूपी के हैं तो अगर डांट पड़ी होगी मम्मी गुस्से में कभी चप्पल अपल भी मार देती हैं फेंक के अगर तुम पूछोगे कि चप्पल का क्या यूज तो तुम कहोगे भाई हम तो चप्पल से पिटे ही हैं मम्मी द्वारा तो चप्पल का वो यूज नहीं है हालांकि तुम पिटे जरूर हो वो मम्मी ने अपनी सुविधा के अनुसार चप्पल उठाई और तुम्हें मारा ठीक है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं था चप्पल का यूज उसे पैरों में पहनना है वही चीज है बेटा टी स्क्वायर का जो यूज है वो सिर्फ यहां लगाना है इबोनी में लगा के हॉरिजोंटल और जो हॉरिजोंटल लाइन है पैरल लाइन वही आप खींच सकते हो अब तुमने उसको उठा के यहाँ फिट कर लिया जबरदस्ती तो वो तुम्हारी अपने सुविधा के अनुसार है वो उसमें तुम्हें कोई रोक नहीं सकता लेकिन बी इस चीज़ की अनुमति नहीं देता यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो इसकी अनुमति नहीं देता अब लेकिन अगर क्वेश्चन अब दूसरा क्वेश्चन फिर से ध्यान फिर से अपना हर चीज ध्यान से सुनना दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अभी क्वेश्चन था सिर्फ टी सिर्फ नहीं है अब ओनली नहीं है कि टी स्क्वायर की मदद से आप कौन कौन सी रेखाएं खींच सकते हो बाय यूजिंग टी स्क्वायर बाय यूजिंग टी स्क्वायर कौन कौन सा कंफ्यूजन देखो वहां था सिर्फ टी है बेटा बताओ बाय यूजिंग बाई यूजिंग टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर की मदद से आप कौन कौन सी रेखाएं खींच सकते हो मुझे आंसर चाहिए वही तीन है हॉरीजोंटल वर्टिकल और इंक्लाइंट कमेंट में जल्दी से बताओ क्योंकि इससे पहले तो काफ़ी सही बताया था लोगों ने हाँ बेलन भी यूज करते हैं मैंने पढ़ ले पढ़ ली है कमेंट आप फिलहाल क्वेश्चन पे आओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितेश सिंगल ने बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रेखाएं यूज करते मतलब बना सकते हो देखो कैसे मैं बताता हूँ टी स्क्वायर के बारे में भी चर्चा आगे करते रहेंगे कैसे सिर्फ टी स्क्वायर की मदद से कौन सी हुई समानांतर क्षेत्र यानी कि पैरल हॉरिजोंटल लाइन लेकिन अगर टी स्क्वायर के उपयोग क्या होते हैं तीन उपयोग हैं ध्यान से यहीं तो यही आंसर छुपा है टी स्क्वायर का उपयोग क्या है हाँ बहुत सही आंसर दिया बिल्कुल सही कार बहुत अच्छी जानकारी है सबको यार बढ़िया चीज देख के अच्छा लगा चलो लेकिन मेरा काम है बताना मैं फिर भी बताऊंगा ठीक है अब देखो यूजेस हम अगर देखें उपयोग ठीक है यूजेस किसके टी स्क्वायर के अब क्या आएंगी टी स्क्वायर का जो पहला यूज है वो आपका क्या है पहला हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए ठीक है दूसरा यूज दूसरा यूज ये है टी स्क्वायर का कि सेट स्क्वायर कौन सेट स्क्वायर का इसके बाद आप पढ़ोगे सेट स्क्वायर क्या होता है सेट स्क्वायर हालांकि जानते हो स्क्वायर सेट स्क्वायर को सपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेट स्क्वायर को कौन सपोर्ट करता है यानी कि उसका आधार कौन बनता है तो कौन बनता है उसका आधार टी बनता है कैसे बनता है बताए दे रहे हैं टी स्क्वायर कैसे बनेगा उसका आधार ध्यान से देखो बेटा यह है आपका बोर्ड ठीक है यह लगा है टी स्क्वायर लगा है आधार अब जब सेड स्क्वायर लगाओगे तो ऐसे नहीं करोगे कि सेट स्क्वायर उठाया रखा सीधा यहाँ पर फटाक से और टी स्क्वायर को फेंक दिया ना 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 स्क्स ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर ठीक है क्योंकि बी भाई सख्त है नियमों के साथ अब कि वो तुम्हें चौबीस घंटे नहीं देख सकता ना तो क्या है तुम्हें क्या करना है सेट स्क्वायर इसके ऐसे यूज करना है ये देखो छोटा सा सेट स्क्वायर तुम्हें दिख रहा है छोटा सा दिख रहा है वो मैं रफ रफली बताने के लिए कर रहा हूं तो छोटा सा क्या है सेट स्क्वायर दिख रहा है तो ये सेट स्क्वायर किसके ऊपर रखा है टी, की तो टी हमेशा जब भी तुम यूज करोगे स्क्वायर स्क्वायर तो टी के ही ऊपर रखोगे अब जो क्वेश्चन आया था कि भाई स्क्वायर मदद से आप क्या क्या खींच सकते हो तो टी स्क्वायर की मदद से तुम अब यहां पर वर्टिकल भी खींच सकते हो ये देखो सीधी खींच दी कैसी मदद से भाई टी स्क्वायर की मदद से प्लस टी स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर को रखकर ठीक है ना तब स्क्वायर ने मदद की लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है सिर्फ तो टी तो, तो यहां भी, तो भी खींच लो वर्टिकल भी खींच खींचनी हो खींच लो तो ये है आपका दूसरा उपयोग किस चीज का दूसरा उपयोग टी स्क्वायर का पहला उपयोग टी स्क्वायर का क्या था कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं रेखाओं को खींचने के लिए स्क्वायर यूज होता है दूसरा उसका उपयोग आया कि टी स्क्वायर यूज होता है सेट स्क्वायर को सपोर्ट करने के लिए कैसे सपोर्ट करता है मैंने डायग्राम में तुम्हें बता दिया यानी कि सेट स्क्वायर जिसके ऊपर रखा जाता है वो आपका क्या कहलाएगा टी स्क्वायर ठीक है मुझे नहीं दिखा कुमार अमित शुक्ला को नहीं दिखा तो हम एक बार और दिखाई दे रहे हैं ये आपका है क्या बेटा ये है आपका टी स्क्वायर है ना जब तुम सेट स्क्वायर यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से रखोगे सेट स्क्वायर इसके ऊपर अब दिख गया बेटा ठीक है तो यह था हमारा वो और तीसरी चीज और एक उपयोग और है टी स्क्वायर का वो उपयोग क्या है बताते हैं इसको भी जब हम ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग बोर्ड पर हम बनाते हैं ड्राइंग बोर्ड को अगर ड्राइंग बोर्ड पर रखने से पहले अगर हमें जांचना हो किस चीज को ड्राइंग बोर्ड की चिकनाई को यानी कि उसके मामूली उसके मतलब ऐसा तो नहीं कि ड्राइंग बोर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो थोड़ा होगा मतलब ज्यादा होगा तो तो मेरी आंखों से दिख जाएगा लेकिन मामूली ऊबड़ खाबड़ भी अगर हुआ प्लेन ना हुआ पूरा समतल ना हुआ हिंदी भी सुन लो पूरा समतल ना हुआ तो हमारे सीट को बनाने में जब हम उसके ऊपर ड्राइंग बनाने जाएंगे तो पेंसिल कहीं नीचे जाएगी और कहीं ऊपर जाएगी अगर थोड़े से हमें पूरा एकदम सटीक चिकना चाहिए सटीक एकदम प्लेन पूरा समतल चाहिए हमें तो और प्लस ड्राइंग बोर्ड की समतलता की स्ट्रेटनेस अगर इसको नाम दें तो स्ट्रेटनेस यानी कि समतलता की, की जांच के लिए किसकी ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर दोनों की टी स्क्वायर में कोई उसके वर्किंग एज जो मैंने कार्यकारी किनारा जो दिखाया था आपको क्या था कार्यकारी किनारा ये टी स्क्वायर था ये वह इधर वाला पोर्शन होता था वर्किंग एज इसे कहते थे कार्यकारी किनारा वर्किंग एज ये हमारा चिकना है कि नहीं है कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तो इसकी दिक्कत देखने के लिए और इसकी स्ट्रेटनेस दोनों की समतलता की जाँच के लिए टी स्क्वायर को भी यूज़ करते हैं जिससे हमारा उसका प्लेन जांच हो जाती है कैसे टी स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और उसमें फिर उसके पैरल लाइन्स पहले एक बार खींची फिर नीचे खींची फिर तीसरी खींची और जहाँ भी उसका थोड़ा गैप आ जाए बस उसको समझ जाते हैं इसलिए ज़्यादा इसमें कोई पूछेगा नहीं बस यही ती, ती, तीन चीज़ें तुम्हें याद रखनी है पूछ ले लेकिन मेनली कन्फ्यूजन उसी में है कि वर्टकर ओरिजॉन्टल क्या है तो वो मैंने तुम्हें डीपली बता दिया है इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंसर मत लेना अब टी स्क्वायर भी मार्केट में अलग अलग तरीके के उपलब्ध हैं तो टी स्क्वायर मार्केट में वही अपना चार तरीके को उपलब्ध है देखते हैं टी, टी, वन, टी, टू, और बेटा, टी थ्री। इनके क्या है डायमेंग्सन? क्या है माप उसे भी लिख लेते हैं पंद्रह सौ हजार सात सौ पंद्रह सौ ये है आपका हजार सात सौ और एक चीज और मैं यहां नहीं यूनिट लिख रहा हूं मैं जानबूझ के यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम दिमाग तभी तो लगाओगे इसमें अब यहां पर पंद्रह सौ बोले तो तुम सोचोगे कौन सी यूनिट है और मैंने पहली तुम्हें बता दिया दस बार मैं बता चुका हूं इस चीज को कि बी ने सख्त कहा है कि इंजीनियरिंग ड्राॅइंग में कोई भी चीज अगर तुम यूज करोगे कोई भी उपकरण यूज करोगे उसका जो भी माप होगा वो बेटा आपका किस में होगा एम एम में ठीक है वो आपका होगा एम एम में तो इसलिए याद रखना ये सारी चीजें एम एम में है बोल दिया इसलिए लिखे दे रहा हूं दोबारा से ठीक है ना तो कभी कंफ्यूज मत होना ये चार तरीके की टी हमारे मार्केट में उपलब्ध है टी जीरो समझने वाली आई कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी यहां पर ये आप लोग निश्चिंत बेफिक्र रहिए और धैर्य रखना यार देखो मेरी क्लास में सबसे मेन चीज है धैर्य मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई कमेंट करके ये कहे कि सर जल्दी करो तेज करो स्लो करो वो करो टीचर है मैं नहीं कोई भी टीचर टीचर खुद अपना एक उस उस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझ के यहाँ पर आता है कि मुझे अच्छा पढ़ाना है ऐसा पढ़ाना है कि बच्चों को कहीं इसके अलावा जरूरत ही ना पड़े अब उसको तुम बोलोगे तेज स्लो धीरे तो थोड़ा सही शोभा नहीं देता खैर अब एक चीज और मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया ये था आपका क्या टी स्क्वायर था अब इसमें जो लंबाई है पंद्रह सौ हजार और सात सौ क्या है ये यहां से ली जाएगी अगर मान लो मैंने t0 की है तो t0 बेटा ये है समझे यहां से नहीं लं, लंबाई सिर्फ इसके ब्लेड की इधर से ली जाएगी हमेशा याद रखना देखो मैंने कहां मार्किंग की है एक बार लाल मार्कर से और मार्क किए दे रहा हूं इधर से ली जाएगी ये जहां पर ये चीज खत्म होती है वहां से इसकी लंबाई ली जाएगी ना कि अंदर से ठीक है तो ये हो गया आपका t स्क्वायर अब अगला देखते हैं t स्क्वायर के बाद चर्चा कर ली थी सेट स्क्वायर की तो यार सेट स्क्वायर को भी पढ़ लो एक ही एक ही थाली थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग कैसे चट्टे बट्टे हैं ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा तो t स्क्वायर कहां लगाओगे कहीं नहीं जगह ही नहीं है फिर अब जब t स्क्वायर की जगह नहीं तो बेटा सेट स्क्वायर अकेला क्या करेगा है ना चट्टे बट्टे हैं एक ही दूसरे से निर्भर करते हैं ये सब अब जब निर्भरी करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं क्या है अपनी सेट स्क्वायर देखो अब सेट स्क्वायर जो है वो दो तरीके का होता है जो अपने मार्केट में ले लो या फिर जिन्हें बीआईएस ने प्रमा प्रमाणित करके रखा है जिन्हें बीआईएस ने यह कहा है कि भाई दो ही तरीके के सेट स्क्वायर यूज होंगे जिन्हें हमने परमिशन दे रखी है अपने मन से तुम फर्जी जितने ही बना लो हमें उससे परवाह नहीं दो तरीके के हैं और वो दो तरीके हैं आपके डिग्री के हिसाब से हैं बना के दे रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, हालांकि थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो उसे आप देख लेना अब ये मत कहना सर मैंने एंगल नापा पैंतालीस नहीं था ठीक है ये रफ रौ, ड्राइंग में ब, ब, बता रहा हूं ये दो तरीके हैं मतलब दो तरीके के जो से, ये सेट स्क्वायर जो अपने मार्केट में मा आते हैं कौन कौन से एक तो 45 डिग्री का हो गया एक हो गया 30 डिग्री और 60 वाला ठीक है ना अब तुम इस चीज से ये देख सकते हो ये तो मैंने तुम्हें पहली बता दिया कि ये कैसे इस्तेमाल होंगे एक ही निर्भरता इनकी किस पर है बेटा सेट स्क्वायर काम तब तक नहीं करेगा जब तक टी स्क्वायर नहीं होगा ठीक है टी स्क्वायर के ऊपर यहां पर रख लिया स्क्वायर को जो भी एंगल जो भी कोण तुम्हें बनाना है वो तुम बना लो अब कौन कौन से कोण इसकी सहायता से बन सकते हैं पैंतालीस 45, 45, तो पैंतालीस नब्बे दिख ही रहा है तो ये तो तुम बना बना ही ही लोगे लोगे दिख रहा है ये तो तुम बना ही लोगे. लेकिन ये मतलब नहीं है ध्यान से ये मतलब नहीं है कि अगर इतने कोण इनमें दे रखे हैं तो सिर्फ हम स्क्वायर की मदद से इतने ही कोण बना सकते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्वायर की मदद से आप कौन कौन से किस किस डिग्री के एंगल यानी कि कोणों को बना सकते हैं तो वो मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके हम कौन कौन से एंगल बना लेते हैं इतने तो जो लिखे हैं वहाँ पर वो तो बन ही जाएंगे क्योंकि दो तरीके के हैं बाकी हम जो बनाएंगे वो पंद्रह डिग्री का भी बन जाएगा पचहत्तर का भी बन जाएगा ठीक है ना एक सौ पाँच का भी बन जाएगा ये मेन है इनको लिख लो और इनको याद कर लो एट सेक्टर रा इसलिए बोला है क्योंकि और भी आएगा और प्रोजेक्शन में तो इतना मजा आएगा कि मैं क्या बताऊं अब देखो इधर देखो पंद्रह पचहत्तर एक सौ पांच ये जो लिखे हैं वो तो हो ही रहे हैं पंद्रह पचहत्तर एक सौ पांच और आगे भी बहुत कैसे बनाते हैं दोनों की साइमल्टेनियसली मतलब दोनों स्क्वायर को एक साथ इस्तेमाल करके हम कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ठीक है एक दो क्वेश्चन जो पुराने सालों में आए हैं वो पूरे क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा और वो क्वेश्चन जब कराऊंगा तभी मैं इस चीज को यहां पर करके भी दिखाऊंगा ठीक है ना तो उसके लिए तुम परेशान मत होना एक चीज और देख लो जो पैंतालीस डिग्री वाला है उसकी आपकी लंबाई दो और ये तीस और सात डिग्री वाला है इसकी आपकी लंबाई ढाई सौ ठीक है हां विशाल दुबे मैंने पढ़ा पंद्रह के मल्टीपल में तभी तो तुम देखो ना 75 पचहत्तर एक सौ पांच पंद्रह की मल्टीपल की ही चीजें चल रही हैं लेकिन कैसे इसको मैं वहां पर बना के इसमें थोड़ा सा जोमेक्ट्री यूज होती है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स में पड़ी है वो यूज होती है वो देखने पड़ते हैं एंगल अगर वो है तो ये कितना होगा उसमें से माइनस करके तो वो ऐसे करके बनते हैं तो वो जब क्वेश्चन में कराऊंगा तब मैं एग्जैक्टली उसको बता दूंगा ठीक है एक जो मेनली क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे ठीक है पंद्रह डिग्री के सारे मल्टीपल हैं ये पंद्रह के मल्टीपल हैं, तो वहां से बनते चले जाए लेकिन कैसे वो मैं क्वेश्चन के बताऊंगा अब आपकी अभी यहां तक कहानी क्या हुई सेट स्क्वायर के यहां तक की चर्चा हो गई है यहाँ पर अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाए क्योंकि मैंने कहा था ये डेली चलेगा और क्वेश्चन मैं उन किताबों की तरह क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आप लोग परेशान तो बिल्कुल मत होना कि उन किताबों की तरह क्वेश्चन कराएं कि जबरदस्ती क्वेश्चन बना दिया है ना ना क्वेश्चन बेटा वही होंगे जो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके पुराने पेपरों में खासकर रेलवे के तो मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा और भी इधर उधर से कोशिश करूंगा जो तो क्वेश्चन आए ये यहां पर नहीं दिखेगा अब देखिए पहला क्वेश्चन अब यहां से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं कहां से कुछ से मैंने क्या कहा जो तुम यहां पढ़ोगे वो यहीं पढ़ के जाओगे घर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा और मेरा इतना भरोसा है कि घर पे तुम्हें कुछ करना भी नहीं जब तक मैं ना कहूँ तब तक मुझे पता है ना किस चीज़ की कितनी इम्पॉर्टेंस मतलब किस चीज़ को कितनी डीपली पढ़ना पड़ेगा तब मजा आएगा तो यहाँ पर पर्याप्त है यहाँ यहाँ के लिए अब देखो एक पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो क्वेश्चन है एक ड्राइंग सीट को बाइंडिंग व फाइलिंग के लिए फाइलिंग करने के लिए शीट की शीट के बाई तरफ छोड़ा जाने वाला क्षेत्र किस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है इसका आंसर अगर आप लोग बना सकें तो बताइए इंग्लिश में बोलता हूं देखो एक ड्राइंग सीट को यानी कि किसी भी ड्राइंग सीट को बाइंड करने के लिए और फाइल में दबाने के लिए कोई मार्जिन छोड़ा जाता होगा वो मार्जिन का नाम क्या है मार्जिन लाइन बॉर्डर लाइन फ्रेम ठीक है हाँ हाँ इंग्लिश में ही बोल रहा हूं इंग्लिश में ही अरे मैं बोल रहा हूं ना इंग्लिश में आप लोग इंग्लिश में सुनिए ना और ये देखो आर कोलकाता का है ये आंसर बताइए ए मार्जिन लाइन सबने बोला है चलिए चलिए और, और और मैं उसका डायमेंशन नहीं पूछ रहा हूं मुझे बस लाइन का नाम बताओ ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका आंसर मैं बताता हूं बहुत कम लोगों ने इसका आंसर कौन सा बताया है बी सबने इसका आंसर ए बताया है यानी कि मार्जिन लाइंस ज्यादातर ने ये आंसर बताया है अब देखो जरा समझाते हैं इस क्वेश्चन को समझाते हैं परेशान क्यों गलत हो तो कोई नहीं इसका आंसर जो सही है वो बी है कौन सा बॉर्डर लाइन देखो मार्जिन लाइन क्या थी मैंने एक जब शीट का लेआउट यानी कि उपन्यास बनवाया था तो मार्जिन लाइट क्या क्या थी मार्जिन लाइन ट्रिम्ड शीट ही थी ट्रिम्ड का मतलब है कि बाजार से लाए ये शीट जिसका माप एग्जैक्टली exactly सही नहीं है तो हमने अपनी स्केल की सहायता से उसका माप एग्जैक्टली exactly सही कर दिया तो इट मींस ये हो गई हमारी मार्जिन लाइन फिर एक उसके बाद एक रेखा बनाते थे जिसके अंदर से ही सारी कार्रवाई अब स्टार्ट करेंगे मतलब जो भी वस्तु की वो बनाई जाएगी वो इस रेखा के अंदर होगी ये होती थी हमारी बॉर्डर लाइन अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है बॉर्डर लाइन इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन क्वेश्चन कहा गया question, एक ड्राइंग सीट को बाइंडिंग यानी कि उसको बाइंड या फाइल भाई जब बाई तरफ में इधर पर अगर वो बाई तरफ की बात कर रहा है जब फाइल में यहाँ पर लगाओगे तो उसके लिए जो लाइन प्रधारित की जाती है वो मार्जिन नहीं होती है मार्जिन ट्रिम्ब लाइन होती है यानी कि ट्रिम्ब सीट वाली लाइन ही मार्जिन कहलाती है जो उसकी फाइलिंग आइलिंग जिसमें हम कर सकते हैं हालांकि बॉर्डर लाइन का सही इस्तेमाल ये नहीं है एक चीज और मैं क्वेश्चन बता दूं बॉर्डर लाइन का ये पूरा इस्तेमाल नहीं है बॉर्डर लाइन सिर्फ इसीलिए यूज नहीं होती है इस चीज़ से ये कतई मत समझना इस चीज़ से ये कतई मत समझना कि बॉर्डर लाइन का ये उपयोग है ना 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 ये उन्होंने अलग से क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि अगर हमें उसका उपयोग बाइंडिंग करना हो तो मैं किस लाइन को देखूंगा तो तुम मार्जिन को नहीं देखोगे बेटा तुम बॉर्डर को देखोगे तुम ये देखोगे कि मेरा जो बाइंडिंग हो रही है जो मेरी फाइल में इसको फाइल में फाइलिंग का मतलब उसको दबा रहा हूं जहां से मैं तो ऐसा ना हो कि उस बॉर्डर के आगे चीजें चली जाए ठीक है तुम्हारे लिए क्या होगी सीमा रेखा तुम्हारे लिए बॉर्डर ही लाइन होगी अंतिम लाइन उसी को मद्देनजर रखते हुए तुम ये चीजें करोगे इसलिए इसका आंसर क्या है बॉर्डर लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं विशाल दुबे आप कंफ्यूज क्यों हो गए सर मैं कंफ्यूज हो गया क्यों कंफ्यूज हो गए मैं तुमसे क्या कह रहा हूं बॉर्डर कन्फ्यूजन की इसमें ज़रूरत ही क्या पड़ गई इस इतनी छोटी चीज में कन्फ्यूज हो गए तुम देखो यार तुम अपनी फाइल में जब कोई भी इन्हीं ड्राइंग की सीट को ऐसे लगाओगे तो तुम क्या देखोगे तुम सिंपल से सोचो तुम क्या उसे समझोगे तुम मार्जिन लाइन को अपना टारगेट फिक्स करके देखोगे नहीं ना तुम्हें मतलब किससे भाई तो बॉर्डर लाइन के अंदर ही तो ड्राइंग बनाई गई है किसके अंदर बनाई गई है इसके अंदर तो तुम ये मद्देनजर रखोगे कि यार बॉर्डर लाइन के क्रॉस ना हो जाए चीजें तो आपकी मतलब कौन सी लाइन हो गई जिसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं तो बॉर्डर लाइन को प्राथमिकता दे रहे हो ना कि मार्जिन को इसलिए अब दूसरा देखते हैं बी से आप क्या समझते हैं मैंने बताया बी देखो ये क्वेश्चन आया था दो में आर चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन है सोचो आप एल के लिए यहां फाइट कर रहे हैं और ऐसे बचपने वाले क्वेश्चन किसमें आ रहे हैं एस सीनियर सेक्शन इंजीनियर में बी आई एस से क्या समझते हैं सबको पता है बताने की जरूरत नहीं है मैंने लिखवा भी दिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी आई एस इंग्लिश वालों के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ व्हाट इज द फुल बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गुड अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो डेली कराएंगे डेली पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन बीस बीस क्वेश्चन तो कराने हाँ देखो तीसरा क्वेश्चन शीर्षक ब्लॉक में क्या दर्शाया जाता है इंग्लिश व्यूअर्स के लिए जो इंग्लिश वाले देख रहे हैं उनका पूरा ख्याल हिंदी इंग्लिश में दोनों का रखा जाएगा परेशान बिल्कुल मत हो शीर्षक ब्लॉक का मतलब है टाइटल ब्लॉक टाइटल ब्लॉक ठीक है अब क्वेश्चन देखो मुझे बताओ डी, ज्यादातर का है डी किसी ने ए भी बोला शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल ब्लॉक में क्या दर्शाया जाता है मैंने कहा कंपनी का नाम ड्राइंग का शीर्षक ड्राइंग का पैमाना या डी उपरोक्त सभी सोचो सोचो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तुम्हारी पीछे ही चल रहे पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्या चलिए इसका आंसर बताते हैं इसका आंसर है डी ठीक है इसका आंसर जो है आपका है डी और 95 परसेंट लोगों ने इसको सही बताया है ठीक है 95 फाइव लोग परसेंट लोगों ने इसको सही बताया इसके साथ साथ मैं एक सॉल्यूशन भी करवाना चाहूँगा एक चीज़ लिखवा मैं मतलब बताऊँगा यहाँ पर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको लिख लें क्योंकि आगे कभी कन्फ्यूज़ ना हो मैं यहाँ पर क्या लिखवाऊँगा कि टाइटल ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ों को दर्शाया जाता है मैं उनके नाम यहाँ पर लिखता हूँ है ना करीबन सात चीजें दर्शाई जाती हैं मैं सारे नाम लिखता हूं इसको नोट कर लो मेरी हिदायत है तुमने अभी तक तो कुछ नोट किया है नहीं किया है इस चीज को जरूर नोट कर लो क्योंकि यह जरूरी है कई जगह पूछ लिया जाता है उसमें अभी तो कुछ दे दिया उपरोक्त सभी आसान था तो तुमने बता दिया लेकिन कभी कुछ पर्टिकुलर नाम उठा के दे दे पूछ ले कि यह वाला दिया जाता है कि नहीं इसलिए मैं यहां लिखवा रहा हूं पहली चीज नेम ऑफ द फर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा या नेम ऑफ द फर्म का मतलब संस्थान का नाम लिख लो संस्थान का नाम क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस होंगे एक एक क्वेश्चन और जब मुझे जरूरत लगेगी कि इसमें कुछ और बता दें तो मैं ऐसे ही बता दूंगा बीच में फिर है टाइटल ऑफ द ड्राइंग यानी कि ड्राइंग का शीर्षक क्या है फिर आपने स्केल कौन सा यूज किया यानी कि पैमाना पैमाना क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा यहां कंफ्यूज मत होना ये मत सोचना कि स्केल क्या यहां पर ये यह भी बताना पड़ता है कि मैंने कौन सी स्केल यूज की है किस कंपनी की नहीं नहीं वो मैं बताऊंगा पैमाने से यहाँ क्या समझ हो बस लिख लो यहां पर पैमाना बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या है स्केल ड्रॉइंग का नंबर कौन से नंबर की ड्रॉइंग है ठीक है ना प्रोजेक्शन प्रक्षेप का तरीका यानी प्रोजेक्शन का टाइप प्रोजेक्शन टाइप यानी कि प्रक्षेप पढ़ोगे क्या होगा होता है का प्रकार ड्राइंग नंबर तो हो ही गया प्रोजेक्शन के टाइप हो गया प्रोजेक्शन का प्रकार भी हो गया ठीक है तो ये मेन चीजें हैं इनको याद रख रखो बस ये मेन चीजें हैं तिरछे भाग रहे हैं अच्छा हाँ तिरछे थोड़े ऐसे हो जाते हैं अब सीधे हो जाएंगे ठीक है बस समझ में आ रहा है तुम्हें ना कोई नहीं सीधा भी हो जाया जाएगा चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला इस चीज को नोट कर लो इंपॉर्टेंट है शीट नंबर मैंने बोला ड्राइंग नंबर वही शीट नंबर है अगला देखो क्वेश्चन आया एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है इंग्लिश व्यूअर्स के लिए इस चीज को मैं इंग्लिश में बोलने दे रहा हूं कि किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट में आपको कई तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है ठीक है राइट right? कई तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है उन इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होती है क्वेश्चन ये है ठीक है फट से आंसर बताओ मुझे इसका डी 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 सबने डी बताया है डी डी के बाद वाला नहीं है कोई बहुत सही इसका आंसर है डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है यानी कि भाई अच्छी चलो अच्छा लगा ए भी किसी ने बताया संतोष यादव ने ये बताया ए नहीं है कैसे नहीं है ए और कैसे है डी वो मैं भी बता रहा हूं देखो क्वेश्चन ये था कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही बात है विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने जो तो स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि किसी भी चीज का निर्माण करने से पहले उस निर्माण के रूप को उस निर्माण की आकृति को उस निर्माण की इमेज जो होती है उसकी ड्राइंग को हम इस पेपर में सपोज करो ये बोर्ड मेरा पेपर है इस पेपर में बनाते हैं ठीक है तो क्या बनाते हैं उसका लंबाई लंबाई तो उसके अंदर की चीजें हैं भाई अगर सपोज करो मैंने कहा कि एक डस्टर मुझे बनाना है एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल देख लो समझ आ जाए जिसको नहीं आया बाकी तो जवाब तो सभी ने दिया है देखो ये आपका डस्टर मुझे नहीं पता इससे पहले किसी को नहीं पता था कि डस्टर भी कोई चीज होती है ठीक है मैंने क्या कहा मैंने कहा यार ये मार्कर से मुझे इसमें लिखना पड़ता है फिर मुझे अपने हाथों से इसको मिटाना पड़ता है कोई ऐसी चीज़ का निर्माण किया जाए जिससे मेरे हाथ गंदे ना हो तो मेरे मन में आया कि कुछ एक डस्टर होगा जिसका नाम डस्टर होगा कुछ ऐसा बना होगा ऊपर गत्ता लगा होगा या कपड़ा लगा होगा तो ये मेरे दिमाग में आया फिर मैंने इस दिमाग को दिमाग की उपज को अपने सीट में कैसे बनाया ये कि डस्टर कुछ ऐसा होगा अब ये मैंने क्या बनाया यही तो है मेन क्या है मेन आकार है उसका बाकी चीजें तो लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है ये तो उसके अंदर की चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पर आकार पहले तुम्हें जो मेन डिसाइड करना है आकार ठीक है ना तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो गया आकार जो लोग कह रहे हैं कि ए, उनके लिए मैंने ये बताया जिनका डाउट था कि लंबाई लंबाई क्यों नहीं कि लंबाई उनके अंदर की चीजें हो गई ठीक है मेन है नहीं पता होगा तो स्केल्स हो 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 पूरी बिल्कुल बताई जाएंगी और इतनी अच्छी तरीके से मैं स्केल्स बताऊंगा विश्वास मानो एक क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होगा तुम्हारा अगला क्वेश्चन आया रेशियो बिटवीन टू एडजेंट साइड ऑफ अ ड्राइंग शीट इज यानी कि एक ड्राइंग के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात क्या है जल्दी बताओ इसका आंसर इसरो का क्वेश्चन है ये। देखो इसरो ऐसी वैसी चीज नहीं है किसी को डी भी लगा चलिए 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 जल्दी बहुत सही ठीक है ज्यादातर का सही है इसका आंसर के ज्यादातर क्या मेरे ख्याल से मैंने जितने अभी कमेंट देखे उसमें मुझे एक ही जो ऐसा दिखा था जो शायद उन्होंने डी बोला है शायद वो हो सकता है पुराने वाला आंसर बोल रहे हो इसका आंसर सही है ए ठीक है पता ही है रेशियो उन्होंने एडजेसेंट साइड बोला यहां पर तुमसे लेंथ ब्रेड की चर्चा नहीं की उन्होंने कहा एडजेसेंट साइड और ये उसके अपोजिट साइड मतलब एडजेसेंट की बात की गई है इसका और इसका रेशियो तुमसे पूछा है तो वो रेशियो वन अपॉन रूट टू ही होता है ऑप्शन के हिसाब से देखो बताया मैंने विथ अपॉन लेंथ का रेशियो एक अपॉन रूट टू अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एरिया ऑफ ए जीरो साइज कितना है इसका एरिया क्षेत्रफल ए जीरो का ए जीरो का छठवें क्वेश्चन का आंसर दो सिर्फ डी में बता दो एक बाकी कुछ लोग लिख के बता रहे हैं उसमें टाइम लगेगा उन्हें डी ठीक है अभी मैंने जैसा कि ये लिखवाया ही था तो इसमें कोई इतना वो देखना नहीं क्या है वन मीटर स्क्वायर अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए सातवां क्वेश्चन जो आपके सामने है कि सा है कि टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट पर कहां बनाया जाता है यह क्वेश्चन कहां आया डीएमआरसी में आया स्टेशन कंट्रोल में 2007 के पेपर में देखिए कि शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक कहां बनाया जाता है जल्दी से आंसर दो बहुत है कुछ इसमें करना ही नहीं है बताया ही है मैंने सब हाँ सही राइट बॉटम कॉर्नर ठीक है नीचे दाई तरफ ठीक है ये जैसे शीट बनवाई थी यहां पर बनाया था टाइटल ब्लॉक एक और 65 और पैंसठ यही तो था ये क्या है नीचे के तौर पर दाई तरफ तो आंसर इसका हो गया डी इसका आंसर सेवन का आंसर आपका डी ठीक है कोई डाउट नहीं सबका सही है कुछ लोग ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं नीचे बाई तरफ बाई तरफ मैंने कब बना दिया ये तो दाई तरफ ही तो है सही से देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन पढ़ो इसे आठवा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिम्ड ड्राइंग सीट निम्नलिखित में से ट्रिमित आरेखण यानी कि जो मैंने बताया ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड एकदम देसी भाषा में लिखवाया था छटा हुआ और बिना छटा हुआ नॉट द साइज ऑफ इसका आंसर जो भी ट्रिम अरे भाई जो मैंने इसमें क्वेश्चन को समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए जो ए जीरो ए वन ए टू ये जो मैंने माप तुम्हें लिखवाए थे डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई जो लिखवाई थी इसमें उस बुक क्या थे वही ट्रिम्ब साइज थे ना भाई वो परफेक्ट साइज थे ना ट्रिम्ड तो वही पूछा है इनमें से कौन सा ट्रिम्ब साइज नहीं है तो ट्रिम्ड नाम से कंफ्यूज मत हो उनने साफ तौर तो पर पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है आंसर सबके मैं देखता हूँ हाँ आंसर दीजिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसमें बी बी हां सोनू गुप्ता बी होगा सर जी सही है हो तो ज्यादातर के डी राजेश डी बोला है बी इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी अब कैसे है सबसे मतलब हालांकि इतना नॉर्मल क्वेश्चन था लोगों ने इतने गलत क्यों कर दिए समझ में नहीं आया मुझे देखो इसको मैं बता देता हूं पूछा है कि जो चार नीचे साइज दे रखे हैं जो तो चार लंबाई और चौड़ाई दे रखी हैं, उनमें से कौन सा स्टैंडर्ड साइज के रूप में नहीं लिया जाता है ठीक है ना तुम तो उसको ट्रिम्ड से कंफ्यूज हो गए तो ट्रिम्ड भी क्या है ट्रिम्ड भी भाई उचित साइनी तो है जो हम छांटते थे अपनी सीट को जो ट्रिम करते थे वो हम क्या अपने जो बी ने दे रखा था उसी माप के हिसाब से तो छांटते थे अगर ए वन है तो ए वन के हिसाब से ए जीरो तो भाई सारी मैंने ये चीज़ें तो मैं लिखा रखी हैं ए जीरो का माप आठ सौ इकतालीस इंटू ग्यारह वन वन एट नाइन ये ए जीरो का है ठीक है और जो सी जो जो आपका सी ऑप्शन है क्या है टू नाइन दो सौ दस इंटू टू सेवन ये आपका ए फोर का है ठीक है और डी आपका है टू नाइनटी सेवन इंटू फोर ट्वेंटी आपका ए थ्री का है लेकिन जो बी ऑप्शन है वो है फोर ट्वेंटी इंटू फाइव सिक्स तो वो ए टू का साइज ये नहीं होता है ए टू का साइज होता है चार सो बीस इंटू सौ चौरानवे ठीक है ना ये देखो ए टू का है फोर ट्वेंटी इंटू फाइव नाइन फोर ये होता है चार बीस टू पांच कोई साइज ही नहीं होता इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा बिच वन इज नॉट द साइज ऑफ तो यही नहीं है वो ठीक है ना तो बी ऑप्शन इसका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हां हाँ, आपने सही आंसर दिया विवेकानंद सिंह यादव नेक्स्ट क्वेश्चन बी टू ड्रॉइंग बोर्ड का क्या परिमाप होगा यानी कि उसका क्या डायमेंशन होगा बी टू ड्रॉइंग बोर्ड का क्या परिमाप होगा क्वेश्चन नंबर नाइन आंसर दीजिए तुरंत ड्रॉइंग बोर्ड का क्या परिणाम होगा बी टू का अब ये मत कहना सर आपने तो ऐसा कुछ लिखा है नहीं मैंने क्या कहा याद तो तुम इसको बी मान लो या डी मान लो अब यहां बी टू बोला है तो आप डी टू सोच लो ना ठीक है ना वो बी डी ई एफ उससे कंफ्यूज मत होना क्या है इसका सात सौ पांच सौ इंटू देखते हैं इसका बी ऑप्शन सही है ठीक है ज्यादातर ने दिया कुछ सी भी दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा इसमें आपको देखो क्या पूछा था बी टू का पूछा था यानी कि और लिख भी रखा है ड्राइंग बोर्ड तो ड्राइंग बोर्ड चाहे बी हो चाहे सी हो अब बी टू पूछा है तो तुम इसको सोच लो डी टू है ये अब डी टू का क्या मैंने लिखवाया है डी टू का मैंने लिखवाया था फाइव हंड्रेड इन सा इधर देखो डी टू का मैंने लिखवाया था फाइव हंड्रेड इंटू सात सौ इंटू पंद्रह तो कौन सा मिलता है इसमें पांच सौ सात सौ पंद्रह बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल भी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दसवा रंगीन ड्राइंग की शीट गलत लिखा है शी, आर्ट जो भी लिखा है मैं बता रहा ड्र, रंगीन ड्राइंग की शीट की क्या होती है का मतलब इंग्लिश वाले परेशान नहीं मैं हूं मैं इसीलिए खड़ा हूं यहाँ पर इसमें बोल रहा है आपका कि जो आपकी कलर्ड ड्राइंग शीट होती है उसकी क्या लिमिटेशन होती है ठीक है सीमतता का मतलब है लिमिटेशंस पूछी हैं आपकी इंग्लिश वाले हिंदी में तो लिखा ही लिमिटेशन ऑफ किसकी जो कलर्ड सीट होती है क्या लिमिटेशन होती है इंग्लिश मोहम्मद रमीज मैंने जस्ट अभी बोला कि लिमिटेशन ऑफ कलर्ड सीट इसमें बोल रहा है क्या होती है लिमिटेशन ऑफ कलर्ड सीट इंग्लिश में ही मैं बोल रहा हूं ऑप्शन है पहला यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है मैं अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं ठीक है यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। मतलब कि ए ऑप्शन ये, ये बोल रहा है कि कलर सीट में जब हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो वो लाइंस हमारी ठीक तरीके से विजुअल नहीं होती हैं इंग्लिश वाले ऑप्शन लाइन्स नॉट विजिबिल करेक्टली पहला ऑप्शन में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया मैंने दूसरा यह शीट को सिलवटों युक्त नहीं होने देती यह कोई लिमिटेशन नहीं है सिलवट यानी कि मोड़ने में दिक्कत मतलब आसानी से मुड़ती नहीं है वो ये मैं इंग्लिश वालों के लिए कर रहा हूं उपरोक्त आकारों में उपलब्ध ना होना यह नॉट अवेलेबल इन ऑल साइज ये इसका रीजन बोल रहा है डी डी क्या उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ दीज अब बताओ जल्दी डी कौन सा इंग्लिश वाले तुम्हारे लिए कर दिया देखो सामने देखो बहुत स्लो आंसर कर रहे हो अच्छा कर चुके ज्यादातर तो कर ही चुके होंगे रजत देसवाल इंग्लिश मत लिखो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा आपको हिंदी आती है लेकिन कई लोग हैं जिनको हिंदी में दिक्कत है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलूंगा ठीक है ना इसका सही सही आंसर है इसका ए सही ऑप्शन कौन सा ए लाइंस नॉट विजिबल करेक्टली यानी कि ये रेखाओं के उभार में बाधक होती है ये चीज़ खुद इमेजिन करके सोचो ये खुद सोचो कि रंगीन जब ड्राइंग होगी अगर मान लो मैं तुमको लाल पीली हरी नीली जो भी कुछ अलग तरीके की ड्राइंग ला के दे दूँ और मैं तुमसे कहूँ अब भाई वहाँ तो इतना सटीक खेल होता है कि छोटे छोटे बिंदुओं का ड्राइंग सीट आप जितना आगे पढ़ते चले जाए जब मैं तुम्हें लाइन्स पढ़ाऊंगा ना जब रेखाओं के बारे में बताऊँगा तो वहां तुम ये चीज जानोगे कि ड्राइंग सीट में छोटी छोटी बिंदुओं का अगर रेखा पतली हो गई थोड़ी सी मोटी हो गई थोड़ी सी वैसी हो गई थोड़ी सी झुक गई तो उसका अलग अलग अर्थ निकाला जाता है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे एक एक रेखा सही तरीके से विजिबल हो सही तरीके से दिखे यानी कि उसका जो उभार होता है रेखाओं का वो अच्छी तरीके से आए और रंगीनों के साथ यही जो रंगीन आ, शीट्स होती हैं उनके साथ यही दिक्कत होती है कि उसमें उभार ठीक तरीके से नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात यहां पर पेच है यह क्वेश्चन मैंने जान के डलवाया है क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होने चाहिए सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे जो क्वेश्चन गलत दे, -दे, -दे, दे देते हैं बुक में वो भी होने चाहिए यहां देखना देखो जरा क्वेश्चन ड्राइंग सीट की लंबाई व चौड़ाई यहां पर बोल रहा है एल रेशियो बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मैंने तुमसे क्या बोला कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है बेटा एक अपॉन रूट टू ठीक है यहां पर इन्होंने इसका ऑप्शन तो सी करेक्ट होगा लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्वेश्चन में कैसे गड़बड़ी है यहां लंबाई और चौड़ाई नहीं होगी यहां चौड़ाई और लंबाई होगी ठीक है ना यह गड़बड़ क्वेश्चन है इसलिए याद रखना चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है एक अपॉन रूट टू ना कि लंबाई और चौड़ाई का लेकिन ऑप्शन इसका सी ही करेक्ट है तो यह था आज के लिए ठीक है आज के लिए आपके लिए जितनी थी और जितना भी तुमको पढ़ाया गया है इससे और क्वेश्चन मैं हर दिन क्वेश्चन कराऊंगा पंद्रह सोलह बीस दस बारह जितने भी बन पाते हैं मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा पुराने साल के सारे क्वेश्चन होंगे और प्रोजेक्शन जो जो लोगों ने हवा बना रखा है मेरे हिसाब से प्रोजेक्शन से आसान कोई चीज़ नहीं होती और ये तुम खुद महसूस करोगे हवा है प्रोजेक्शन लेकिन वो एएलपी के हिसाब से नहीं है ए के हिसाब से नहीं क्योंकि उसका ए का सिलेबस बहुत लिमिटेड है ठीक है वो तुम्हें प्रोजेक्शन में ज़्यादा अंदर घुसने की अनुमति नहीं देता और जब तक तुम प्रोजेक्शन के ज़्यादा अंदर नहीं घुसोगे प्रोजेक्शन एक मामूली सा चैप्टर है जो हालांकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन से आएंगे और उसके क्वेश्चन लगाने में भी बड़ा मजा आएगा सामने लगवाएंगे एकदम लेकिन डरने की बात नहीं प्रोजेक्शन बहुत आसान है बाकी कल स्टार्ट करेंगे क्लास ठीक है और जिन जिनको अच्छा लगा हो और भी मदद अगर मेरी तरफ़ से कोई भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो और मुझसे हेल्प चाहिए हो तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ और जितने भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है जहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी क्वेश्चन मुझे मिले तो वहाँ से क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूँगा और अगर आप तुम यहाँ पढ़ रहे हो एग्जामपुर जो चैनल है इस पर तुम पढ़ रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट है जाहिर सी बात है तो मेरा भरोसा करो और ये बात तुम खुद रिलैक्स करोगे कि तुम्हें कुछ किताब कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है विश्वास मानो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सारे क्वेश्चन यहाँ होंगे पसंद आया हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि जो जिन बच्चों को ज़रूरत है वो फीस एफर्ड नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से हेल्प ले सकें और ये हेल्प इनफ है सफिशियंट है इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से पढ़ने की थैंक यू